हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप सभी लोग वेरी गुड मॉर्निंग जी स्वागत है आपका निश्चय के सेशन में निश्चय नीट का जीत निश्चित है और बच्चों आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की जिसका टोटल वेटेज 12 से 16 नंबर न्यूनतम 12 नंबर बेटा कहीं नहीं गए टोटल चार अलग-अलग सेगमेंट्स -अलग में ये चैप्टर डिवाइडेड है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है पहला सेगमेंट जिसमें करंट करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट स्पीड ऑन स्लो मोबिलिटी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन वगैरह होते हैं और यहां से एक सवाल पक्का नीट में पूछा ही जाता है बेटा उसी तरह से दूसरा आता है आपका पावर वाला कॉन्सेप्ट से एक सवाल आ जाता है फिर आता है सेल यहां से एक सवाल आता है और फिर आते हैं यहां पर बेटा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहां से भी सवाल आता ही आता है तो टोटल अगर हमने चार अलग अलग सेगमेंट में पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड किया है हर एक सेगमेंट से भी एक सवाल अगर आता है बेटा तो 16 नंबर आपके खातों में पक्का हो जाते हैं विच इज रियली गुड और बहुत ज्यादा होते हैं 16 नंबर ठीक है समझ रहे हो ना सभी लोग यस बच्चों वेरी गुड एक मिनट रुकेगा जरा है ना हम चार्ज कनेक्ट करना भूल गए थे चलिए अब सब परफेक्ट है ठीक है गुड मॉर्निंग एक बार बता दो ऑडियो वीडियो कैसा है सब कुछ फटाफट से जल्दी से क्विकली सुनाई दिखाई पड़ रहा है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग जल्दी से बुला लो अपने सभी दोस्तों को शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की कहानी बहुत आसान यह चैप्टर है ठीक है अच्छा कल हम सबल में बेटा ठीक है कल हमारा सबल का सेशन होगा और सबल के सेशन में सबल के सेशन में हम लोग क्या करेंगे तो सबल के सेशन में 6 ए एम पर हम इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे बेटा ठीक है सबल के सुबह 6 बजे वाले सेशन में आज हम लोगों ने सबल में सुबह 6 बजे ग्रेविटेशन कंप्लीट किया है ठीक है यस सब कुछ ठीक है बहुत बढ़िया तो निश्चय प्लस सबल आपको बनाएंगे निश्चित तौर पर सफल ठीक है तो निश्चय करिए सबल करिए सफल हो जाइए ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग बच्चो वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग यस ठीक है तो शुरू करते कहानी सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की बेटा क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट यहीं से हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट बेटा आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है और ये ना टेंड बाई डी टी इसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बेटा क्या कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ पर्टिकुलर गिवन क्रॉस सेक्शन अगर किसी क्रॉस सेक्शन से एक कुलाम्ब का चार्ज सेकेंड में क्रॉस कर जाता है बेटा कितना चार्ज बेटा चार्ज वन का करंट बेटा एम्पियर क्या है यहां पर तो आप लिखेंगे सर ये है आपका एम्पियर और इसे हम कहते हैं यूनिट ऑफ करंट बेटा ये क्या हो जाता है आपका यूनिट ऑफ करंट हो जाता है सभी लोगों को बात समझ में आ रही है यूनिट ऑफ करंट हो जाता है इसमें और भी डिफरेंट यूनिट होती है बच्चों तो अगर कहीं पर लिखा हो वन मिली एम्पियर का मतलब होता है टेन रेस्ट टू दी पावर माइनस थ्री एमपियर होता है अगर कहीं लिखा हो वन माइक्रो एम्पियर मतलब होता है टू लिखा होगा बेटा ठीक है नैनो एम्पियर मतलब टेन रेस टू दी पावर माइनस नाइन पी मतलब टेन रेस्ट टू दी पावर माइनस ट्वेल्व लेकिन ज्यादातर मोस्ट कॉमनली यूज यही दो यूनिट्स हैं मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर बच्चों ठीक है यहां तक बात समझ में आ रही है सभी लोगों को किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन से अगर करंट आपका क्रॉस कर रहा है इन अ गिवन टाइम इंटरवल तो वो बनता है आपका डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी और उससे आपको करंट मिल जाता है ये जो करंट होता है बेटा इसके पास दो चीजें होती है इलेक्ट्रिक करंट के पास इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है सर मैग्नीट्यूड अरे बच्चों अभी तो दिखा अभी तो देखा मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा आपका डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इससे आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और दूसरी जो बात है विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है बच्चों डायरेक्शन के बारे में डायरेक्शन को समझो जरा डायरेक्शन इज द कन्वेंशन बेटा स्टार्टिंग से हम ये मान के चले आ रहे हैं कि सर अगर नेगेटिव चार्जेस इफ नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग इन लेफ्ट या राइट right डायरेक्शन बेटा मान लीजिए ऐसा आपने लिया इफ नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग टूवर्ड्स राइट लेफ्ट से कहां जा रहे बेटा राइट right की तरफ जा रहे हैं तो इसकी वजह से जो करंट होगा इसकी वजह से जो करंट होगा बेटा उसको हम आई माइनस कहेंगे और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा नेगेटिव चार्जेस के मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट बेटा यहां पर इफ नेगेटिव चार्जिंग नेगेटिव चार्जेस क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन लगातार इस डायरेक्शन में तो उसकी वजह से करंट हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा लेकिन बच्चों अगर यहां पर पॉजिटिव चार्जेस हो चार्जेस कैसे हो क्यू प्लस हो पॉजिटिव चार्जेस तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस हैं उसी डायरेक्शन में यहां पर क्या होगा उसी डायरेक्शन में यहां पर आपको मिलेगा आई प्लस बेटा तो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन में होता है करंट और नेगेटिव चार्जेस के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव के लिए सेम डायरेक्शन नेगेटिव के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन प्लीज इसे आप ध्यान रखें सवाल आपके गलत नहीं होंगे क्या यह बात समझ में आ रही है बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी देखो मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट आपका एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा ये दोनों चीजें होने समझ आएगा इलेक्ट्रिक करंट आई है कैसी क्वांटिटी है बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी है सर मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, उसके बावजूद हम इसे स्केलर क्यों कहते हैं क्योंकि जो करंट है ये क्या नहीं फॉलो करता है डू नॉट फॉलो वेक्टर अल्जेबरा क्यों नहीं फॉलो करता है क्योंकि करंट क्या है बेटा करंट है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस और यहां पर क्यों चार्ज है और है. किसी में जितना एंटर करेगा उतना ही चार्ज बाहर निकलना चाहिए यह बहुत ज्यादा जरूरी बात है किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट वहां से बाहर निकलना चाहिए एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो नहीं करता है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद स्केलर कहेंगे ठीक बच्चों समझ आया सभी लोगों को बहुत बढ़िया यहां तक क्लैरिटी है तो आगे बात करते हैं ठीक है बच्चों यहां तक बातें समझ में आ गई अब जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके बारे में और आपको एक चर्चा बता दें कोई भी चार्ज पार्टिकल बेटा कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मान लीजिए इस तरह से कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मान लीजिए आपका यहां पर क्या करता है जस्ट अ मिनट हाँ हाँ कोई भी चार्ज पार्टिकल बच्चों अगर इस तरह से मान लीजिए यहां पर सर्कल में घूमता है ठीक है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मान लो सर्कल में घूम रहा है सर्कल लाइक दिस यहां पर आपका एक चार्ज क्यू है विच इज मूविंग विदेन वेलॉसिटी विच इज मूविंग विदे विटी वेलॉसिटी यहां पर वी है तो क्या करेगा इसको समझिए सर टाइम टी इज इक्व टू जीरो पर चार्ज पार्टिकल आपका यहां पर होगा और ऐसे पूरा सर्कल घूम के आएगा फिर यहां पर 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 और ऐसे पूरा घूम के जब आएगा तो एक निश्चित समय लगाएगा एक टाइम पीरियड इसको लगेगा और उसे हम कहेंगे बेटा स्मॉल स्मॉल टी 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 इज इज टू टू कैपिटल कैपिटल तो हर एक रेगुलर टाइम इंटरवल में हर एक रेगुलर टाइम इंटरवल में चार्ज पार्टिकल यहां से क्रॉस करता रहेगा ऐसे घूम के आएगा ऐसे क्रॉस करता रहेगा गया घूम के आया क्रॉस किया गया घूम के आया क्रॉस किया गया घूम के आया क्रॉस किया तो बेटा अगर ये आप इसे बोलोगे कि ये कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है जिसे चार्ज क्रॉस कर रहा है तो यहां पर आप करंट क्या लिखेंगे यहां पर करंट हो जाएगा सर चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम वेरी गुड वन बाय टी यहां पर क्या होता, होता है बेटा फ्रीक्वेंसी होता थी हो जाएगा सर क्यू इन में एफ वेरी गुड

टू पाई आर ये सर्कुलर करंट के अलग अलग फॉर्मूला है बेटा प्रीवियस ईयर में इस पर ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है प्रीवियस ईयर पे ऑलरेडी इन सभी चीजों पर सवाल आ चुका है आपको अगर यहां पर दिक्कत नहीं हो तो मैं आगे बढ़ा दू बात को राइट एवरी वन यहां तक सबको समझ में आ रहा है किसी को कोई परेशानी किसी को कोई कंफ्यूजन बच्चों नहीं वेरी गुड गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग आगे बढ़ते हैं अगली कहानी पर देखो आपने क्या लिखा है आपने लिखा है इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वस टू क्या लिखा बच्चों ने डी टी लिखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस आई इज इक्वस टू डी क्यू डिडेड बाई डी टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सर इस डी क्यू को लिखा जाएगा यहां पर आई डी टी बोलो और नो तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो अगर आपको निकालना हो बेटा आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे टी इनिशियल से टी फाइनल तक बेटा टी इनिशियल से टी फाइनल तक जो भी टाइम लिमिट्स आपको गिवन है इसको हम कहेंगे डेल्टा क्यू और ये होगा आपका अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो बेटा इसके क्या कहेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो अमाउंट ऑफ क्या होगा बेटा आपका चार्ज फ्लो और इसे क्या कहेंगे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे -Q से Everyone, किसे करेंगे? -Q से किसे करेंगे और ये ये है ना तो बेसिकली हो जाएगा आपका area under, area under I versus T का का ये बात ध्यान area under, area under I versus T का ग्राफ हो जाता है एरिया अंडर आई वर्सेस ग्राफ हो जाता है क्या ये बात भी सबको समझ में आ गई एवरी वन ठीक है बच्चों जल्दी बताइए कि हां भैया सारी बातें यहाँ तक हमें क्लियर हो रही है समझ में आ रही है कहीं कोई परेशानी की बात भी नहीं है ठीक है अच्छे से विजुअलाइज होता चला जा रहा है एक एक बात आपने इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड यहाँ पर आ, पूरी पूरी एक ही सिंगल स्लाइड पे बना रखी है ठीक है अब बच्चों ऐसी बात है कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ यहाँ पर कहूँ मान लीजिए इस तरह से मैंने आपको दिया कि ये मेरे पास क्या है यहाँ पर मैंने टाइम एक्सेस लिया बेटा यहाँ पर मैंने लिया करंट आई और ये ग्राफ आपको ऐसा दिया गया कि यार मान लीजिए पहले करंट आपका कॉन्स्टेंट है पहले करंट क्या है बेटा आपका देखो यहां पर आप क्या बोलोगे कि सर यहां पर हमें ना दिखाई दे रहा है कि करंट कॉन्स्टेंट है और उसके बाद क्या हो गया बेटा उसके बाद ये करंट ऐसे वेरी करके नीचे आ गया धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा तो यहां पर जो एरिया आप कैलकुलेट करोगे ना इसी को हम बोलेंगे सर टोटल चार्ज जो यहां पर फ्लो करेगा बेटा यस और नो एवरी क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या ये बात सबको समझ में आ रही है ईच वन ऑफ यू जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बेटा थम्स अप करके बता दो यस यस थम्स अप करके बता दो यस yes, कि हाँ भैया समझ में आ रही है इसका जो एरिया होगा इसी को हम क्या बोलेंगे सर यहाँ पर ये जो एरिया होगा दिस एरिया बेसिकली ये जो एरिया होगा यही हमारा क्या हो जाएगा सर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो जाएगा यस एवरी वन यस एवरी वन यही क्या होगा सर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो जाएगा इसी को हम बोलेंगे डेल्टा क्यू एंड दिस इज इक्वल टू एरिया बेटा दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व चमक गया सबको चमक गया सबको बहुत बढ़िया सवाल करें बेटा सवाल करें ठीक है जितने सवाल करेंगे उतना ज्यादा जल्दी से चीजें हम सीख पाएंगे तो ठीक है आ जाओ यहां पर क्या बोल रहा है तो बोल रहा है कि फ्लो ऑफ टेन रेस टू दि पावर माइनस सेवन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ठीक है फ्लो ऑफ टेन रेस टू दावर माइनस सेवन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इन अ कंडक्टिंग क्या बोला बेटा वायर कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ कितना करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा कितना करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा अब 10 रेस्ट टू दी पावर माइनस सेवन इलेक्ट्रॉन यानी कि यहां पर आपको नंबर दिया हुआ है बेटा वो है आपका एन विच इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू दी पावर माइनस सॉरी 10 रेस्ट पावर प्लस का सेवन ठीक है 10 रेस्ट टू दी पावर प्लस का सेवन यस yes. दूसरी चीज ये है कि करंट को आप क्या लिखते हो करंट को आप लिखते हो सर चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड यहां पर चार्ज को आप लिखोगे सर एन इन में ई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड बच्चों ठीक है एन का वैल्यू कितना हो जाएगा तो एन का वैल्यू तो हमें दिया हुआ ना यार दोस्त एन का वैल्यू टेन रेस टू दी पावर सेवन दिया है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू वन पॉइंट सिक्स टू दी पावर माइनस नाइनटीन हो जाता है टाइम यहां पर क्या लिखेंगे वन सेकेंड लिखेंगे टाइम कितना लिखेंगे बच्चों वन सेकेंड लिखेंगे तो समझ में आ रहा है कि सर करेक्ट आंसर वुड बी वन पॉइंट सिक्स इंटू में टेन रेस टू दावर माइनस ट्वेल्व और ये हो जाएगा एम्पियर में हम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे बोलो यस और नो एवरी बहुत अच्छे बहुत अच्छे ठीक है अगला सवाल देखो जरा अगला सवाल क्या बोल रहा है करंट इन द कंडक्टर बेटा करंट यहां पर क्या बोला है कंडक्टर में कर रहा है टाइम इज 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 टू इन इन एंड बेटा वेरी गुड द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टू सेकेंड टू थ्री सेकंड इन कॉलाम विल बी टाइम इंटरवल दिया हुआ है इनिशियल दो सेकेंड है फाइनल तीन सेकेंड है टोटल कितना चार्ज फ्लो करेगा Concept क्या है बच्चों की कॉन्सेप्ट होता है I is to DQ divided by होता है बच्चों से हम लिखेंगे सर DQ को IDT. क्या लिखेंगे बच्चा को करोगे इंटीग्रेट करोगे आप इसको इंटीग्रेट करोगे टाइम टी इज इक्व कितना टू सेकेंड टी इज इक्वी सेकेंड रखना है तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा उसको आप डेल्टा क्यू बोल दो वेरी गुड यहां पर आई की जगह क्या रखोगे आई की जगह रखोगे एक बार यहां पर टू टी टू टी यहां पर आ जाएगा बेटा डी टी के साथ प्लस यहां पर क्या रखोगे सर एक बार आपको रखना पड़ेगा सर थ्री टी स्क् डी टी के साथ ये जाएगा बेटा टू टू थ्री सेकंड ये भी जाएगा बच्चों टू टू थ्री सेकेंड एवरी वन अच्छा टी का इंटीग्रेशन डी टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा का इंटीग्रेशन के में क्या हो जाएगा? वो फॉर्मूला है ना याद करो एक्स टू दी पावर एन डी एक्स जब होता है तो हम क्या लिखते हैं एक्स टू दी पावर एन प्लस वन नीचे क्या हो जाएगा बच्चों आपका एन प्लस वन एवरी ये फॉर्मूला है आपका तो यही फॉर्मूला यहां लगाएंगे तो ये रिजल्ट आपका ऐसे आएगा कि सर ये टू तो है ये हो जाएगा सर टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू लिमिट हम डालेंगे यहां पर टू टू थ्री प्लस यहां पर ये थ्री तो बाहर आ जाएगा इसके लिए हो जाएगा सर टी क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री लिमिट यहां पर भी जाएगी बेटा टू टू थ्री वेरी गुड आंसर भी आना शुरू हो गया आप लोगों के ठीक है तो यहां पर टू से टू कैंसिल यहां पर थ्री से थ्री कैंसिल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है तो हम बोलेंगे कि सर टोटल डेल्टा जो फ्लो करेगा अपर लिमिट मतलब हम लिखेंगे थ्री का होल स्क्वायर माइनस यहां पर टू का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आप क्या करोगे बेटा थ्री का क्यूब माइनस यहां पर टू का क्यूब वेरी गुड थ्री का होल स्क्वायर मतलब नाइन माइनस कितना हो जाएगा बेटा फोर वेरी गुड प्लस यहां पर थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री बेटा तो यह बनेगा आपका ट्वेंटी सेवन माइनस कितना हो जाएगा बच्चों एट करेक्ट आंसर वुड बी हो जाएगा फाइव सत्ताईस माइनस आठ ही आ जाएगा उन्नीस उन्नीस पांच कितना आंसर आ गया बेटा चौबीस कुला ठीक है आसान सी चीजें हैं चलो अगले सवाल पर आते इसको देखते जरा गैस डिस्चार्ज ट्यूब थ्री इंटू मै पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेटा इलेक्ट्रॉन्स कहा जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं सबसे पहले आप यहां पर बात करेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है कहा जा रहे हैं लेफ्ट से राइट right जा रहे हैं बना भी दो आप इसको लेफ्ट से राइट right, ये मूव कर रहे हैं कितने नंबर है उनकी संख्या बेटा तो एन ई इज इक्वल दिया हुआ है थ्री इन में टेन टू दी पावर एटीन बहुत अच्छे

आई प्लस और दोनों की डायरेक्शन सेम बेटा ये भी राइट टू लेफ्ट है ये भी राइट टू लेफ्ट है तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन में जाकर देखेंगे कि सर लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट वाले तो हटा दीजिए करेक्ट आंसर राइट टू लेफ्ट होगा राइट टू लेफ्ट होगा ठीक बच्चों वेरी गुड है ना ये तरीका बता लगाने का अब यहां पर क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे सर टोटल करंट यहां पर आप लिखोगे सर टोटल करंट दैट वुड बी आई माइनस की वजह से जो है और प्लस आई प्लस की वजह से जो है आप लिखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अच्छा इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज वन पॉइंट सिक्स इंटू में टेन रेस्टर माइनस को लांब है और प्रोटोन के पास भी पावर माइनस नाइनटीन को लांब है बस फर्क कितना है एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है बच्चों ठीक है वेरी गुड तो यहां पर आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या कर रहे थे इसलिए नीचे आपको टाइम वन सेकंड लिखना पड़ेगा प्लस ये हो जाएगा सर टू इंटू मै टेन रेस्ट टू दी पावर एटीन यहां पर आप लिखोगे सर वन पॉइंट सिक्स इंटू में टेन रेस्ट टू दी पावर माइनस नाइनटीन और यहां पर आप लिखोगे सर वन सेकेंड ठीक है क्योंकि ये भी पर सेकेंड थे तो कुल मिलाकर कुल बेटा, जब आप यहाँ पर 10 10 18, तो हो जाएगा बेटा आपका यहां पर कितना 5 अरे देखो ना फाइव इंटू मै टेन रेस्ट पावर कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखते हैं सर सोल पंजे क्या बनेगा 80 तो ये हो जाएगा सर आपका 8 और और साथ ही साथ इंटू में टेन माइनस कितना आएगा बेटा वन तो पॉइंट एट एम्पियर बी दी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ रहा है विल बी दी करेक्ट आंसर इन समझ गए सभी लोग सभी लोगों को चमका सिंपल सवाल है. है कि नहीं आसान बहुत बढ़िया चलो अगला सवाल करंट डेंसिटी क्या चीज होती है करंट डेंसिटी क्या चीज होती है बेटा तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी इज डिफाइंडेड बेटा जे ये होता है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा कोई भी कोई भी करंट जो है किसी न किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो होता है ठीक है मान लीजिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा अपना ठीक है और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कुछ करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है मान लीजिए इधर जा रहा है कुछ करंट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है राइट right बच्चों ये करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है तो अगर करंट ऐसे क्रॉस कर रहा है करंट अगर ऐसे इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ करंट इज क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं बेटा उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं ये जो करंट डेंसिटी है ध्यान से सुनना सभी लोग ये जो तुम्हारी करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कैसी है बेटा दिस करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी का क्या चक्कर है इसको समझाते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी का चक्कर बड़ा सिंपल है ये है एक वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो डायरेक्शन होगा डायरेक्टेड अलोंग लिख भी देता हूं बेटा मैं, ध्यान सुनने का डायरेक्टेड अलोंग कहां पर तो आप लिखेंगे सर डायरेक्टेड अलॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगी जैसे आप डेंसिटी को क्या डिफाइन करते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम वैसे ही गिवन क्रॉस सेक्शन में कितना करंट इज क्रॉसिंग बेटा उसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं क्रॉस सेक्शन ज्यादा करंट कम तो करंट डेंसिटी कम होगा ठीक है सेम करंट सेम यहां पर हम बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन को अगर सेम रखो और करंट को बढ़ाते जाओ करंट को बढ़ाते जाओ तो करंट डेंसिटी बढ़ेगा करंट डेंसिटी बढ़ेगा बच्चों यहां से हम आई को क्या लिख सकते हैं आई बेसिकली हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो हम आई को यहाँ पर डिफाइन करेंगे सर आई इज इक्वस टू ये हो जाता है आपका जे का डॉट करना पड़ेगा ए के साथ हम ए को कहते हैं बच्चों एरिया वैक्टर ए को हम क्या कहते हैं ए को हम कहते हैं एरिया वेक्टर। इसके बारे में दो बातें बहुत जरूरी है पहली चीज ऑलवेज कैसा होगा बेटा ऑलवेज होगा परपेंडिकुलर ऑलवेज होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस एक चीज ये होगी बेटा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस दूसरी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सरफेस बेटा दूसरा होता है सरफेस डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सरफेस डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सरफेस बेटा ठीक है यह yes नो no, जैसा हम लोगों ने फ्लक्स में भी पढ़ा था सिमिलर कहानी यहां पर भी होगी ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्फेस दूसरा परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ये है कहानी किसकी एरिया वेक्टर की आई इज इक्वल टू जे डॉट ए अब बच्चों बात यूं हो रही है कि अगर मान लीजिए यहां पर करंट या तो नॉन यूनिफॉर्म हो या करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो तब आप क्या काम करेंगे यहां तो अभी हो जाएगा आपका क्या बेटा यहां तो हो जाएगा आपका जे ए कॉस ऑफ थीटा यहां पर ये एंगल थीटा क्या होगा बेटा तो आप इसको लिखेंगे सर ये होगा हमारा एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में एंगल बिटवीन तो आप लिखेंगे सर करंट डेंसिटी एंड यहां पर आप लिखेंगे सर एरिया वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन ऑफ़ करंट डेंसिटी मतलब क्या हो गया बेटा करंट डेंसिटी का मतलब होता है सर डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसी को हम थीटा कहते हैं उसी को क्या कहते हैं बच्चों थीटा कहते हैं आगे कहानी बढ़ाएंगे तो यहां पर ये यह लिख सकते हैं कि सर सेम करंट आई कैन बी रिटर्न एज ये ऐसा हो जाएगा सर जे ये हो जाएगा आपका डी ए और ये हो जाएगा बेटा आपका कॉस ऑफ थीटा इसको इंटीग्रेट करेंगे तब जाकर हमें टोटल करंट मिलेगा बेटा अगर यहां पर नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है तो नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज में लेना पड़ेगा क्या यहां तक सभी लोगों को बातें समझ में आ रही है करंट डेंसिटी क्लियर है सबको बच्चों कम ऑन एवरी करंट डेंसिटी क्लियर हुआ किसी को कोई कंफ्यूजन किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ठीक है तो सर करंट डेंसिटी तो हमें समझ में आ गया अब करंट डेंसिटी के बाद आता है बच्चों मोबिलिटी लेकिन मोबिलिटी से पहले आपको एक बात बता देते हैं मोबिलिटी से पहले आपको एक बात बता देते हैं और वो बात है हमारी किसकी बच्चों तो यहां पर आप हेडिंग डालेंगे सर वो है हमारा ड्रिफ्ट स्पीड बच्चा ठीक है क्या हेडिंग डालेंगे सर ड्रिफ्ट स्पीड क्या चीज होती है ड्रिफ्ट स्पीड ठीक है हेडिंग डालेंगे सर ड्रिफ्ट स्पीड क्या चीज होती है दिस इज द एवरेज स्पीड ये क्या होता है बेटा ड्रिफ्ट स्पीड इज द एवरेज स्पीड विथ विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड कनेक्टेड या एक्सटर्नल अप्लाइड तो क्या करते बेटा उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन उसमें उस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं जिक मूव करते हैं कोई आपका इधर जा रहा है कोई आपका इधर जा रहा है कोई ऐसे मूव करेगा कोई ऐसे मूव करेगा कोई ऐसे मूव करेगा कोई ऐसे मूव करेगा और कोई इधर मूव करेगा राइट और यही रीजन है इस जिग, -जिग मोशन की वजह से इफ यू हैव नॉट कनेक्टेड एनी एक्सटर्नल सोर्स बेटा तो आपको करंट नहीं मिलता है क्योंकि इनिशियली अगर आप देखोगे तो इनिशियली यहां पर क्या हो जाता है जो यू एवरेज होता है बेटा वो हो जाता है आपका जीरो इनिशियल एवरेज विलोसिटी इज जीरो बिकॉज ऑफ रैंडमनेस Because of क्या बच्चों लेकिन जैसे ही आप यहां पर क्या करते हो एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करते हो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगते हैं जिसको अपन कहते हैं। अब तो हो गई प्लस आप यहाँ पर क्या लिखोगे सर इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए ई ऑफ ई डिवाइडेड बाई मास होता है क्यों एवरेज टाइम क्योंकि बच्चों कोई भी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ध्यान से सुनना कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर यहां पर कंडक्टिंग मटेरियल में मूव कर रहे हैं एंड इफ दे आर मूविंग लाइक दिस बेटा यहां से मूव करके यहां गया टकराया फिर यहां से मूव करके यहां आया अगेन टकराया फिर यहां से मूव करके कहीं इधर जाएगा तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन वो एक टाइम लगाता उसको टी बोलोगे सेकेंड कोलिजन में टाइम लगाएगा उसको टी बोलोगे फिर थर्ड कोलिजन में टी थ्री टी ऐसे नंबर ऑफ कॉलिजन होंगे आर दिस दिज बेटा ये टी वो समय है जो बिटवीन टू सक्सेसिव कोल इलेक्ट्रॉन स्पेंड कर रहा है यहां टकराया यहां टकराया टी इज टीवल टू जीरो पर फिर टी वन टाइम लगाकर इस वाले आयन के साथ टकराएगा टी टू टाइम लगाकर इस वाले आयन के साथ टकराएगा तो वो कर क्या रहा है बेसिकली कुछ समय लगा रहा है इन सक्सेसिव कोलिजन बेटा और उन सभी टाइम पीरियड्स का एवरेज अगर आप लेते उसी को हम बोलते हैं इस टाउ को हम कहते हैं बेटा एवरेज टाइम या फिर इसको लिखा जाता है ऐसे रिलैक्सेशन टाइम क्या कहा जाता है बेटा रिलैक्सेशन टाइम यह बात आपको पता होनी चाहिए कि सर रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या है इट इज द एवरेज टाइम इलेब्सड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बेटा एक इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम है उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं ये रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स उतने इजीली मूव कर पाएंगे ये रिलैक्सेशन टाइम जितना कम होगा कोलिजन उतना ज्यादा होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में ठीक है वेरी गुड तो यहां से वीडी का एक फॉर्मूला बनता है बच्चों और वी वीडी इज इक्वस्ट टू आती है आपका

डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट किया जाता है दिस इज़ द सिंपल लॉजिक बच्चों ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई? सेशन को लाइक like कर देना और चैट सेक्शन को मोहब्बत से भर देना ठीक है चलो ड्रिफ्ट स्पीड क्लियर हो गया सभी बालक और बालिकाओं को अब आता है बच्चों मोबिलिटी मोबिलिटी एक टर्म है जो हमारे एनसीईआरटी में है। और मोबिलिटी यह बताती है कि कितना फास्ट कोई इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए तैयार है बेटा जितना ज्यादा मोबिलिटी होगी उतनी कम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से ड्रिफ्ट कर सकते हो

ठीक है अब अगर आपके पास कोई भी इस तरह का मटेरियल हो कोई भी आपके पास इस तरह का मटेरियल हो जिसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बेटा ये कंडक्टिंग मटेरियल है और इसमें अगर करंट यहां पर फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो इसमें एक क्वांटिटी होती जिसको हम कहते हैं स्मॉल एन और स्मॉल एन को हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो पर यूनिट वॉल्यूम बेटा ठीक है तो यहां पर ये हो जाता है सर चार्ज डेंसिटी इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं सर चार्ज डेंसिटी दिस इज नॉन एज चार्ज डेंसिटी बेटा ठीक है क्या कहते हैं यहाँ पर हम इसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं बेसिकली ये होता है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बेटा नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और ये मटेरियल डिपेंडेंट होती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कैसा होता है बच्चों ये होता है आपका मटेरियल डिपेंडेंट अलग अलग मटेरियल में ये जो फ्री चार्ज करियर्स है ये अलग अलग होंगे बेटा ठीक है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बच्चों अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होगी कॉपर में अलग होगी सिल्वर में अलग होगी गोल्ड में अलग होगी एल्यूमिनियम में अलग होगी मटेरियल चेंज करोगे तो एन चेंज होगा बाकी किसी को चेंज करने से एन की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते हैं एक बात आपको ये समझ में आ गई बहुत बढ़िया एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन होता है बच्चा रिलेशन बिटवीन करंट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड और उसे कैसे लिखा जाता है तो हम जानते हैं सर करंट आई इज इक्व टू क्या होता, होता है कितना चार्ज फ्लो करेगा तो आप बोलोगे सर एन इन टू मे स्मॉल ई डिवाइडेड बाई यहां पर क्या होता है सर टाइम टी होता है एवरी अरे एन यहां पर क्या है चार्ज वैल्यू है ना एन यहां पर क्या है सर नंबर ऑफ चार्जेस एन यहां पर क्या है नंबर ऑफ चार्जेस ई क्या है

या आप ऐसे लिख लो चलो यहां पर आप लिखोगे सर लेंथ डिवाइडेड बाय क्या आएगा टी अब बच्चों लेंथ डिवाइडेड बाय टी क्या हो जाएगा मान लीजिए यहां से यहां तक का लेंथ अगर आपका क्या है एल के बराबर है यहां से यहां तक का लेंथ अगर आपका एल के बराबर है तो एल बाई टी क्या होगा बेटा वी डी के बराबर हो जाएगा तो रिलेशन आता है आई इज इक्वस टू एन ई ए एन ई ए वी डी बेटा आई इज इक्वस टू क्या आता है आपका एन ई ए वी डी आता है समझ रहे हो सभी लोग यस यसनो एवरी वन बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे दोस्तों यहां तक तो बातें हमें समझ में आ गई अच्छा अब एक छोटी सी बात आपको और बता देते हैं एक छोटी सी बात आपको और बता देते हैं अगर कहीं कोई क्रॉस सेक्शन आपके पास इस तरह का हुआ बेटा कहीं कोई क्रॉस सेक्शन आपके पास इस तरह का हुआ जिसमें आपको देखने में समझ आ रहा है कि बॉस यहां पर ना क्रॉस सेक्शन कम है यहां पर ना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है दिख रहा है सभी लोगों को आप यहां पर लिखोगे सर ये A1 है यहां पर आप लिखोगे सर ए है और दिस एवन इज बिगर देन ए तो जहां पर क्रॉस सेक्शन बड़ा है यहां पर क्रॉस सेक्शन कम है लेकिन बच्चों फिर भी अमाउंट ऑफ करंट क्या रहेगा थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहेगा एक बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन ऐसे याद रखिएगा क्योंकि करंट इसलिए कांस्टेंट होना चाहिए जितना चार्ज यहां पर एंटर करेगा बेटा उतना ही चार्ज यहां से बाहर निकलना चाहिए जितना चार्ज यहां पर एंटर करेगा उतना ही चार्ज यहां से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि चार्ज एक कंजर्विंग क्वांटिटी है कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड अगर चार्ज 100 कोलाम्ब एंटर किए तो 100 ही कोलाम्ब बाहर होने चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि 100 कोलाम्ब एंटर किए और यहां से 90 बाहर निकला मतलब 10 कोलाम्ब डिस्ट्रॉय हो गया डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता ना यह बात पता होनी चाहिए तो आई क्या रहेगा बेटा कॉन्स्टेंट रहेगा आई के कॉन्स्टेंट होने का मतलब है I के कांस्टेंट होने का मतलब है आप यहां पर लिखोगे सर अगर फॉर्मूला आपके पास है एन ई A, और यहां पर क्या लिखोगे बच्चों वी डी ये दोनों भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वीडी मतलब तो कम और यहां पर ए कम तो वी डी ज्यादा इस तरह से सवाल थ्योरेटिकल देखने को मिल सकते हैं प्लीज बी केयरफुल वेल डीलिंग विथ सच प्रॉब्लम्स ठीक है बच्चों समझ में आ रही है बात सभी लोगों को एवरी वन यस yes, बहुत अच्छे आ जाओ सवाल करवाता हूं आप लोगों को नीट 2020 का सवाल है देखते हैं जरा क्या बोल रहा है बोल रहा है कि अचार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट स्पीड 7.5 है माइनस फोर मीटर पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थ्री इंटू में टेन रेस्ट टू दाइनस टेन वोल्ट पर मीटर मोबिलिटी मोबिलिटी का वैल्यू क्या होगा अभी पढ़ाया अभी पढ़ाया बच्चों मोबिलिटी क्या होती है ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द वे फ्रॉम एनसीईआरटी बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज मोबिलिटी का टॉपिक ठीक है एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम कवर करेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को वीडी का वैल्यू कितना रखेंगे बेटा सेवन पॉइंट फाइव इंटू मै टेन रेसू दी पावर माइनस फोर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना बेटा थ्री इंटू मै टेन रेसू दी पावर माइनस टेन बहुत बढ़िया यहां पर ये क्या करेगा बेटा वन पॉइंट फाइव बनाएगा थ्री से डिवाइड होकर ऊपर जाएगा टेन रेस्टू दि पावर ये प्लस का सिक्स बनाएगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे तो रिजल्ट कितना आ रहा है सॉरी पच्चीस तो, क्या आ जाएगा बेटा प्लस का सिक्स यानी कि ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आ रहा है टू पॉइंट फाइव इंटू मै टेन रेस्टू दी पावर सिक्स ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है बोलो यस और नो एवरी प्रॉपर क्लैरिटी कहीं किसी को कोई परेशानी अरे वाह ये हुई ना बात चैंपियंस। अगला एनसीईआरटी एनसीआरपलर का सवाल है बेटा किसका सवाल है एनसीईआरटी एनसीआरपलर का सवाल है और देखो जरा यहां पर क्या क्या चीजें हैं एनसीईआरटी एनसीआरपलर के सवाल में क्या क्या बातें आपको दी हुई है ठीक है एनसीईआरटी एनसीआरपलर का सवाल है देखो जरा हालांकि

सोल्यूशन भी साथ में आ गया अरे देखो यहां पर सोल्यूशन भी साथ में आ गया राइट थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो क्या होता है यहां पर थर्मल वेलोसिटी मतलब हम बात कर रहे हैं इसकी वीटी वो जो आर एम एस वेलोसिटी होता है ना वी टी जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों थ्री आर टी डिवाइडेड बाई एम बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती है ये होती है थर्मल वेलोसिटी ठीक है ये किसकी वेलोसिटी होती है बेटा ये वेलोसिटी होती है गैस मॉलिक्यूल्स इन द गेसेस अब यहां पर थर्मल वेलोसिटी का मतलब क्या है जब भी आप किसी कंडक्टर को हीट अप करोगे गर्म करोगे तो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से वो मूव करने लगते हैं फास्टर एज कंपेयर टू प्रीवियस वैल्यूज तो वो जो वेलोसिटी वेलोसिटी दैट इज थर्मल वेलोसिटी बेटा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट और मटीरियल को किसी भी कंडक्टर को आपने हीट दी उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कौन सरफेस का इलेक्ट्रॉन और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करने लगेगा बेटा फास्ट मूव

Drift स्पीड आपसे पूछा है बाकी सारी चीजें गिवन है बेटा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है I इज इक्वस्ट टू एन ई ए वी डी ये चीज होती है बेटा I इज इक्वस टू क्या होता है आपका एन ई ए वी डी होता है

करेक्ट आंसर तो पॉइंट फोर एमएम पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर बेटा करने पर क्या है? Mm per second is the correct answer. ठीक है बच्चों पॉइंट फोर एम एम पर सेकेंड विल बी दी करेक्ट आंसर गुड मॉर्निंग बच्चो गुड मॉर्निंग mm अभी गुड मॉर्निंग हो रही है आपकी ये एवरी वन क्लियर हुआ कि नहीं इज इक्वस्ट टू एन ए वीडी सारी चीजें गिवन थी बस वैल्यू रखनी थी सॉल्व करना था एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर यूल एनसीगैंपल का अगला सवाल है देखो जरा क्या बोल रहा है अ अ करंट करंट कैरिंग वायर इन द शेप ऑफ सर्कल नोट दैट एज द करंट प्रोग्रेस अलॉन्ग द वायर द डायरेक्शन ऑफ जे करंट डेंसिटी चेंजेस इन एग्जैक्ट मैनर वाइल करंट आई रिमेन्स अन दैट इज एसेंशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर यहां पर करंट डेंसिटी चेंज होगी लेकिन करंट अनअफेक्टेड होगा ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको बताना है बेटा। पढ़ते हैं, सवाल बहुत अच्छा है सॉल्व किया तो शायद इंपॉर्टेंट बातों को आप मिस कर दें तो वो मैं हमेशा क्लास में लेकर आता हूं बेटा निश्चय के सेशन में बात आप जानते हैं, राइट तो बच्चों यहां पर क्या लिखा है देखा जरा यहां पर लिखा है सोर्स ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई दूमलेटेड वे बाइ रिपल्शन ही बेहूदा बात हो गई ठीक है करंट के लिए चार्जेस का यहां पर रिपल्शन इज नॉट ने चार्ज द चार्ज अहेड क्या बोल रहा है सवाल को समझो पहले तो सवाल ही नहीं समझ में आएगा कुछ लोगों को कंसिडर द करंट केरिंग वायर द शेप ऑफ अ सर्कल ठीक है बहुत बढ़िया नोट दैट द करंट प्रोग्रेस इज अलोंग द वायर डायरेक्शन ऑफ जे करंट डेंसिटी चेंजेस इन एग्जेक्ट मैनर बेटा करंट यहां पर क्या कर रहा है करंट डेंसिटी का डायरेक्शन एजेंट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कौन रेस्पॉन्सिबल होगा ठीक है तो यहां पर आप बोलोगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस अक्यूमुलेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ वायर ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि जो चार्ज है यहाँ पर कंडक्टर में फ्लो कर रहा है कंडक्टर में चार्जेस हमेशा कहाँ पर रहते हैं उसके सरफेस पर रहते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एन ई ए वी डी आप पढ़ते हो करंट का वैल्यू क्या पढ़ते हो बेटा आई इज इक्व टू एन ई ए वी डी आप पढ़ते हो आई डिवाइडेड बाई ए अगर आप करोगे ये करंट डेंसिटी बनेगा ये क्या बनेगा बेटा एन ई वी डी बनेगा तो यहाँ पर करंट डेंसिटी है ne तो एज इट इज रहेगा vd की जगह क्या लिख सकते हो ई ऑफ ई डिवाइडेड बाय मास m इनटू में रिलैक्सेशन टाइम तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन के लिए रिस्पांसिबल फैक्टर कौन होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पांसिबल होगा कौन रिस्पांसिबल होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पांसिबल होगा आया समझ में सभी लोगों को कि कैसे सवाल को सोचना था यहां पर i डिवाइडेड बाय a करंट डेंसिटी हो गया ठीक है फिर जो VD है उसको हमने लिख दिया डिवाइडेड e में e तो पर करंट डेंसिटी क्या हो रहा है बेटा अफेक्टेड बाय E है ठीक है बच्चों अगर आप ई e में वेरिएशन लाओगे तो करंट डेंसिटी में भी वेरिएशन आएगा एक बहुत अच्छा सवाल था ये ठीक है अब हम बात करते बच्चों ओम स्लो की किसकी बात करते बच्चों ओम स्लो की कोई भी हमने कंडक्टर लिया कोई भी हमने एक कंडक्टर लिया इस कंडक्टर की कुछ लेंथ है बेटा एल और इस कंडक्टर को हमें कनेक्ट करना है किससे बेटा इस कंडक्टर को हमें कनेक्ट करना है विथ अ बैटरी किससे कनेक्ट करना है बेटा विथ अ बैटरी तो जैसे हमने इसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया हम क्या देखते हैं आइए जरा हम ये देखते हैं कि सर अब यहां पर क्या हो रहा है द मोमेंट यू क्लोज द स्विच मोमेंट यू क्लोज द स्विच ऑल द इलेक्ट्रॉन विल बी ड्रिफ्टेड इन डिफाइनाइट डायरेक्शन बेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन यहां पर ड्रिफ्टेड होंगे और उनके ड्रिफ्टेड होने से क्या क्या रिलेशन आपको समझ में आता है उसको देखते हैं जरा तो यहां पर आपने इसको बोला कि प्लस टर्मिनल है यहां पर आपने इसको बोला बेटा माइनस टर्मिनल है अरे ये क्या हो गया ठीक है नहीं नहीं प्लीज आज नहीं ठीक है ओम्स लो की हम बात करें बेटा तो ओम्स क्या कहते हैं ओम कहते हैं कि यार यहां पर जो बैटरी है ना ये बैटरी अपन ले लेते बेटा वेरिएबल बैटरी कैसी बैटरी ले लेते वेरिएबल बैटरी इसकी वेरिएबल बैटरी का मतलब क्या है कि पोटेंशियल हम चेंज कर सकते हैं ठीक है कभी यहां पर पोटेंशियल आपका क्या है बेटा कभी पोटेंशियल जीरो है फिर कभी यहां पर टू वोल्ट हो जाएगा कभी यहां पर चार वोल्ट हो जाएगा कभी यहां पर सिक्स वोल्ट हो जाएगा कभी यहां पर एट वोल्ट हो जाएगा कभी यहां पर दस वोल्ट हो जाएगा एटसेट्रा एटसेट्रा इस तरह से हम इस बैटरी के जो पोटेंशियल्स हैं इसको वेरी करते रहेंगे और जब हम बैटरी पोटेंशियल वेरी करते हैं तो हम एक बात ऑब्जर्व करते हैं बच्चों कि यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है प्लस से माइनस टर्मिनल की तरफ ये जो करंट आई है ये करंट आई भी वेरी करता है जीरो था तो करंट जीरो था टू वोल्ट की बैटरी थी तो करंट यहां पर थोड़ा बढ़ा चार वोल्ट की बैटरी पर करंट और ज्यादा बढ़ा छह वोल्ट की बैटरी पर करंट और ज्यादा बढ़ा ऐसे करते करते जब हमने चेक किया तो जितना हायर पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो करंट उतना ज्यादा बढ़ रहा है तो ओम्स कहते हैं अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर अक्रॉस कंडक्टर इफ देर इज सर्टेन करंट तो ये करंट आई जो है ये होता है डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वी बेटा क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और अगर आप यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा का जिसको हम बोलते हैं बच्चों वन बाई आर और ये होगा वी यहां पर हम लिखेंगे सर वी इज इक्वस टू आई आर और इस आर को कहते हैं बच्चों रजिस्टेंस इस आर को हम क्या कहते हैं इस आर को हम कहते हैं बच्चों रजिस्टेंस इस आर को क्या कहते हैं बच्चों रजिस्टेंस कहते हैं तो जरा यहां देख लो अगर आपने अगर आपने v वर्सेस क्या किया बेटा आपने यहां पर अगर v वर्सेस i का ग्राफ प्लॉट किया क्या प्लॉट किया बच्चों अगर आपने यहां पर प्लॉट किया कि ये मेरा इस तरफ v है इस तरफ मेरा i है तो माय डियर फ्रेंड्स v वर्सेस i में जो स्लोप होगा फॉर द ओमिक कंडक्टर कैसा बेटा यहां पर ये जो होगा v वर्सेस i का ग्राफ यहां पर अगर आपने एंगल थीटा कहा तो यहां पर आप बोलोगे सर tan थीटा

सॉल्व करते वक्त यहां पर दिया जाएगा करंट आई यहां पर दिया जाएगा पोटेंशियल वी स्ट्रेट लाइन इसका भी होगा स्ट्रेट लाइन इसका भी होगा बट दिस टाइम अगर यहां पर स्ट्रेट लाइन है ये है एंगल थीटा तो यहां पर आप लिखोगे सर टेन थीटा विच इज स्लोप लेकिन इस बार आपका स्लोप वन बाई आर के बराबर होगा वन बाई रजिस्टेंस होगा इफ इट इज आई बाई वी तो वन बाय आर है इफ इट इज वी बाय आई तो यहां पर बेटा वो आर तो के बराबर होगा तो स्लोप को अच्छे से समझना इज वेरी मच नीडेड ठीक है यहां तक बात समझ आ गई सभी लोगों को किसी को कोई परेशानी है किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा नहीं ठीक है किसी को कोई परेशानी नहीं है किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है सवाल पर आ जाते हैं जल्दी से सवाल पर आ जाते हैं बेटा फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज वी आइडेंटिफाई द पोर्शन करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव रेजिस्टेंस बेटा वी बाई आई या आई बाई वी यहां पर क्या दिया है करंट वर्सेज वोल्टेज का ग्राफ करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ जहां पर करंट वर्सेस वोल्टेज का स्लोप नेगेटिव होगा वहीं पर रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा और बेटा वो स्लोप नेगेटिव कहां है वो स्लोप नेगेटिव है आपका कौन से रीजन में सीडी वाले रीजन में स्लोप नेगेटिव है सीडी वाले रीजन में स्लोप नेगेटिव है तो सी वाला आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव रजिस्टेंस बताएगा जहां स्लोप नेगेटिव है वहां रजिस्टेंस नेगेटिव है ठीक है बच्चों चलिए आगे बात करते हैं रजिस्टेंस को अभी आप लोगों ने देखा रेजिस्टेंस क्या करता है रेजिस्टेंस पहली चीज करता है अपोजेस रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा रेजिस्टेंस करता है अपोजेस फ्लो ऑफ चार्जेस रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा अपोजिस फ्लो ऑफ चार्जेस बेसिकली ये वो प्रॉपर्टी है

उतना ज्यादा डिफिकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन्स को चार्जेस को मूव करने में और दूसरी बात है बेटा आर जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जब आप इन दोनों चीजों को एक साथ लिखते हो तो यहां बनता है आपका आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो एल डिवाइडेड बाई ए बेटा ठीक है और जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो यहां पर लगाते हो एक वैल्यू जिसको कहते हैं रजिस्टिविटी और यह होता है आपका एल डिवाइडेड बाई ए अब ध्यान से सुनना रो यहां पर क्या है रजिस्टिविटी है बेटा रो यहां पर क्या है रो को हम बोलते हैं सर रजिस्टिविटी रो को हम कहते हैं बेटा रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी या फिर इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक रजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों या फिर इसका भी काम क्या है? का भी काम है फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करना तो आप बोलोगे कि सर इस रजिस्टिविटी रो में और इस रजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है तो ये है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या है बच्चों ये है आपकी प्रॉपर्टी ये क्या है बच्चों की प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल थोड़ा सा समझाते हैं इस बात को प्रॉपर्टिविटी ऑफ मटीरियल प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल मतलब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास चांदी का ये पेन है और मेरे पास चांदी का ये पैड है ठीक है ये भी चांदी का है ये भी चांदी का है ये सिल्वर का है ये भी सिल्वर का है लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन अलग है इसका लेंथ अलग है इसलिए इसका रेजिस्टेंस अलग होगा और ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग है है इसकी लेंथ अलग है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस अलग होगा लेकिन दोनों बने हुए सिल्वर के इसलिए दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी दोनों बने हुए किसके बच्चों सिल्वर के इसलिए दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी तो एक बात यह समझ में आती है इफ यू आर गोइंग टू चेंज द लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी मटेरियल रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी ठीक है तो यहां पर क्या होता है रिमेन्स सेम रजिस्टिविटी क्या होती है डो नॉट चेंज डो नॉट चेंज बाय चेंजिंग बाय चेंजिंग एल एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करो लेंथ को चेंज करो, रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आता है जबकि रजिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा लेंथ के चेंज करने से क्रॉस सेक्शनल एरिया के चेंज करने से रजिस्टेंस आपका चेंज हो जाता है बेटा रजिस्टेंस के बारे में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं रजिस्टेंस के बारे में यहां पर अगर हम बात करें मान लीजिए इस तरह से आपको दिया है रेजिस्टेंस के बारे में कि लेंथ को यहां पर चेंज किया जाए बेटा इफ लेंथ इज चेंजिंग बेटा क्या किया जाए पहली चीज यहां पर लेंथ को क्या किया जाए लेंथ चेंज की जा रही है बेटा लेंथ को हम यहां पर चेंज कर रहे हैं अगर आप लेंथ को चेंज कर रहे हैं दोस्तों तो आप लिखेंगे कि सर जो आपका आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई ए है अब इंफॉर्मेशन भी अगर लेंथ का गिवन हो इंफॉर्मेशन भी अगर लेंथ का गिवन हो बेटा तो एल से मल्टीप्लाई करो एल से डिवाइड करो इंफॉर्मेशन लेंथ का गिवन हो से मतलब क्या है आपका इंफॉर्मेशन लेंथ का गिवन हो से मतलब ये है कि लेंथ को डबल किया जा रहा है ऐसा दिया होगा लेंथ को तीन गुना किया जा रहा है ऐसा दिया होगा लेंथ को चार गुना किया जा रहा है ऐसा दिया होगा तो इंफॉर्मेशन किसकी होगी लेंथ की तो लेंथ से मल्टीप्लाई लेंथ से आपने डिवाइड किया और ऐसा करते ही आपको पता चला कि सर आर का वैल्यू यहां पर क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो एल स्क्वायर और नीचे क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेंथ ये हो गया बेटा वॉल्यूम वॉल्यूम होता है आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होता है बच्चों कॉन्स्टेंट होता है इसीलिए आप देखोगे यहां पर कि जो आर इनिशियल है डिवाइडेड बाय आर फाइनल का फॉर्मूला क्या बनेगा लेंथ इनिशियल डिवाइडेड बाय लेंथ फाइनल का होल स्क्वायर क्या ये बात सबको समझ में आ रही है ईच वन ऑफ यू ट द्राफ बेटा लुकेट दिचुएशन है कि अगर आपने को गुना, तो गुना बढ़ जाएगा अगर मैंने लेंथ को इनक्रीज करके क्या कर दिया बेटा एन गुना बढ़ा दिया तो मेरा रजिस्टेंस एन स्क्वायर गुना बढ़ेगा क्योंकि यहां पर स्क्वायर हो रहा है इसी तरह से बच्चों अगर यहां पर आप एरिया में चेंज करते हैं किसमें चेंज करते हैं बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज करते हैं और उसी की इंफॉर्मेशन भी तो आप पर क्या लिखेंगे फिर से वही कहानी, R L A, लेकिन इस दफा आप मल्टीप्लाई करेंगे A से और आप डिवाइड करेंगे A से. क्यों क्योंकि इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है इंफॉर्मेशन एरिया की गिवन है और अगर एरिया की इंफॉर्मेशन गिवन है तो यहां पर जो आपका आर होगा वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रपोर्शन टू तो ऊपर हो गया वॉल्यूम नीचे हो गया एरिया का होल स्क्वायर बेटा यहां पर ये यह क्या है वॉल्यूम तो तुम्हारा कांस्टेंट है इसलिए आप लिखोगे सर आर इनिशियल डिवाइडेड बाय क्या होगा तुम्हारा आर फाइनल और ये उल्टा आता है बच्चों तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ये क्या होगा बेटा ऐसे होगा ये होगा ए इनिशियल और ऊपर चला जाएगा तुम्हारा ए फाइनल और इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर होगा क्या ये बात सबको समझ में आ रही है Everyone, क्या ये बात भी सबको समझ में आ रही है? अब पर पर अगर 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 कैसा कैसा होगा बेटा? Circular होगा, होगा होगा, बेटा बेटा तो हम यहां पर a की जगह r square लिखेंगे पाई आर स्क्वायर लिखेंगे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर करके बता देता हूं आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा ध्यान से देखना हमने यहां पर क्या किया बेटा वी हैव A wire. ये रहा वायर पर दिया बेटा इस वायर का लेंथ यहाँ पर एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है वायर का लेंथ एल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है दो बातें हैं बच्चों दो बातें हैं एक पहले केस में हमने क्या किया फर्स्ट केस में लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं बेटा लेंथ इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड टू है ना लेंथ यहां पर इंक्रीज्ड टू क्या कर दिया बेटा आपने एन एल कर दिया बेटा एन गुना कर दिया

एज यहां पर क्या किया गया बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दिया गया क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर आपको बोला गया है चलो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे नहीं बोला गया ऐसे बोला गया ध्यान से सुनो क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह ऐसे बोल दिया जाए ओ -ओ, माफ कीजिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह ऐसे बोला गया बेटा कि यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों ये है सर्कुलर एरिया कैसा है बेटा सर्कुलर है इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है बेटा सर्कुलर है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है मतलब यहां पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आपका एरिया होगा क्या होगा बेटा पाई आर स्क्वायर एरिया होगा तो इसने बोला कि इनिशियल रेडियस आर थी आपने इसको इंक्रीज कर दिया बेटा और इंक्रीज करके कर दिया एन टाइम्स ऑफ आर रेडियस को एन गुना बढ़ा दिया बेटा रेडियस को एन गुना बढ़ाया है अब क्या करोगे तो अब लिखोगे कि सर रेजिस्टेंस था आर ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों आर प्राइम आप यहां पर लिखोगे सर एरिया इनिशियल और ऊपर चला जाएगा एरिया फाइनल इस पूरे का होल स्क्वायर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा पाई आर फाइनल का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर बेटा और यहां पर लिखना पड़ेगा सर पाई आर इनिशियल के स्क्वायर स्क्वायर का भी तो कुल मिलाकर आपको ऐसा मिलेगा आर फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल और इस पूरे की पावर फोर मिलेगी समझ रहे हो ना एवरीवन क्योंकि पाई आर स्क्वेर था स्क्वायर का भी क्या हो गया बेटा स्क्वायर का भी स्क्वायर हुआ इसलिए पावर फोर हो जाएगी ठीक है यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको अदरवाइज गलती हो जाती है अब यहां पर क्या लिखोगे आप लिखोगे सर आर था यहाँ पर क्या था सर आर प्राइम था आपने फाइनल को क्या कर दिया आपने आर फाइनल को एन गुना किया है आपने आर फाइनल को एन गुना किया है तो हम लिखेंगे सर यहाँ पर एन टाइम्स ऑफ आर नीचे हो जाएगा बेटा आपका आर इसका करोगे पावर फोर आर से आर कैंसिल होगा ये हो जाएगा एन की पावर फोर तो यहाँ से आर प्राइम का वैल्यू आ रहा है कैपिटल आर डिवाइडेड बाय एन टू तो दी पावर फोर तो ये आंसर निकल कर आता है बोलो यस और नो एवरी चमक रहा है सभी लोगों को चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम बेटा ठीक है दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करोगे वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। थोड़े सवाल करवाए थोड़े सवाल करवाए वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बच्चों बहुत अच्छे बहुत अच्छे थोड़े सवाल करते हैं सवाल आपके सामने है देखते हैं क्या बोला जा रहा है अ कंडक्टर विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैज डायमेंशन ए ए ए इन द फिगर रजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज एक्स बेटा रजिस्टेंस अक्रॉस ए बी मतलब लेंथ आपका कंसिडर किया जाएगा फोर ए और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला कंसीडर किया जाएगा जो परपेंडिकुलर होता वो जो वो section, जो है वो क्रॉस सेक्शन बेटा जो परपेंडिकुलर डाइमेंशंस वो क्रॉस सेक्शन ठीक है और जो डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग है वो लेंथ होती है ठीक है और यहां पर बोला अक्रॉस सीडी इज वाई एंड अक्रॉस ईएफ इज जेड देन यहां पर क्या रिलेशन होगा अक्रॉस अक्रॉस ए बी एक्स है तो रेजिस्टेंस यहां पर क्या लिखते बेटा रेजिस्टेंस का एक सिंपल फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला ये है कि सर रेजिस्टिविटी रो इन टू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट्स ऑल ठीक है यस और नो एवरीवन। बहुत बढ़िया तो माय डियर फ्रेंड्स अक्रॉस ए बी मतलब आप लिखोगे एक्स और आप यहां पर लिखोगे रजिस्टिविटी हो जाएगी बच्चों लेंथ लेंथ हो हो जाएगी ये 4 हो जाएगी ये ये ए ए तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा दिस विल बी ए एंड होल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल आपका हो जाएगा ए इंटू टू ए बेटा क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा आपका ए इंटू टू ए तो यहां पर यह रिजल्ट क्या आ रहा है एक ए से एक ए आप कैंसिल आउट करोगे यह आएगा टू रो डिवाइडेड बाई ए बेटा ये एक्स आ रहा है फिर आप लिखोगे अक्रॉस सी डी अक्रॉस सी डी ये यहां पर है सी ये यहां पर है डी तो सी डी के अक्रॉस आप देखोगे तो ए आपका लेंथ होगा और ये वाला क्रॉस सेक्शन होगा बेटा टू ए इंटू फोर ए दिस विल बी योर क्रॉस सेक्शन एवरी वन समझ रहे हो तो यहां पर लिखोगे सर y यहां पर लिखोगे रो लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों a के बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया योर इन टू मै फोर ए सो माई डियर फ्रेंड्स तो आप लिखोगे सर ये होगा आपका लेंथ ये टू ए होगा आपका लेंथ बेटा और ये होगा क्रॉस सेक्शन दिस वैल्यू दिस वैल्यू ये वाला होगा तुम्हारा क्रॉस सेक्शन बेटा कौन सा ए इंटू फोर ए तो जब आपने इसको लिखा जेड तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा रो लेंथ आएगी आपकी 2a नीचे कितना आएगा बेटा आपका a मैं 4a आपने सॉल्व किया यू विल बी गेटिंग रो डिवाइडेड बाय 2a तो सबसे ज्यादा x है उसके बाद y है उसके बाद z है और सबसे कम है आपका y तो आप बोलोगे सर ऑप्शन d करेक्ट हो रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बच्चों ऑप्शन d करेक्ट हो रहा है सिंपल फार्मूला है बट ये देखना है कि किस फेसेस के अक्रॉस हम बात कर रहे हैं जिन फेसेस के अक्रॉस बात की जा रही है उसके अलोंग जो डायमेंशन है वो लेंथ होता है बेटा उसके अलोंग जो डायमेंशन है वो लेंथ होता है और उससे परपेंडिकुलर वाले जो डायमेंशन है वो क्रॉस सेक्शन बनाते हैं इज दैट क्लियर कमंडम एवरी वन जल्दी से अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो थम्सअप बना दो दिल बना दो जल्दी से यस यस बच्चो यस यहां तक समझ में आया वेरी गुड आगे अगला सवाल देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज टेन ओम इट्स लेक्रीज बाय टेन परसेंट बाय स्ट्रेचिंग द न्यू रजिस्टेंस विल बी टेन परसेंट आपने इंक्रीज किया है टेन परसेंट आपने क्या किया बेटा इंक्रीज किया है मतलब कि एल को आपने यहां पर क्या कर दिया इंक्रीज किया है एल इंक्रीजेस कितने से बेटा तो आप बोलेंगे सर बाय टेन परसेंट वट डू यू मीन बाय टेन परसेंट मतलब जो आपका एल फाइनल होगा वो हो जाएगा एल प्लस यहां पर आपको बोलना पड़ेगा सर दस प्रतिशत ऑफ एल मतलब कि यहां पर टेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो नई लेंथ आपकी वन पॉइंट वन एल हो जाएगी बेटा नई लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी वन पॉइंट वन एल हो जाएगी फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला है सर आर डिवाइडेड बाय आर फाइनल इज अपन क्या लिखते हैं बाय एल फाइनल का होल स्क्वायर वेरी गुड आपने यहां पर क्या किया लेंथ को पहले एल रखा था अब आपने यहां पर इंक्रीज किया ना यानी कि वन पॉइंट वन टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा का होल स्क्वायर होगा एल से एल आपका कैंसिल होगा तो जो आर फाइनल आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है वन पॉइंट वन का

Everyone, चमक गया कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं इसमें क्यों डी होगा भाई इसमें क्यों डी होगा लेंथ को बढ़ाया है रेजिस्टेंस बढ़ेगा और बढ़ेगा कितना बढ़कर यहां पर हो जाएगा ट्वेल्व ओम ठीक है परसेंटेज निकालना यहां पर आपको द न्यू रेजिस्टेंस पूछा था परसेंटेज नहीं पूछा परसेंटेज निकालना तो पता है कितना होगा रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट होगा अब देखो यहां पर 1.21 पॉइंट आर है ठीक है यानी कि 1.21 का फैक्टर आप देखोगे तो आप लिखोगे लिखोग नया रेजिस्टेंस 21 प्रतिशत बढ़ेगा कितना परसेंट बढ़ेगा बेटा 21 परसेंट इंक्रीज होगा नया रेजिस्टेंस कितना होगा रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 21 परसेंट ट्वेंटी परसेंट रजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो गया ठीक है

पास तीन तरह के मटेरियल कंडक्टर कंडक्टर तो conductor के लिए अल्फा है देन जीरो मोर देन जीरो का मतलब है टी पर जो रेजिस्टेंस होगा वो आर नॉट डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा यानी कि टेंपरेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो फ्री सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और उस वो और ज्यादा बॉन्ड को ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं जहां पर कोलिजन बढ़ जाता है और कोलिजन के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस के फ्लो में दिक्कत होने लगती है इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा बढ़ता है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या करती है बच्चों बढ़ती है और अगर हम बात करेंगे सेमी मटेरियल की तो उनका अल्फा होता है लेस देन जीरो टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट डिग्री सेल्सियस से कम होता है यही रीजन है कि जब आप यहां पर ग्राफ देखते हो बेटा जब आप यहां पर ग्राफ देखते हो किनके, किनके बीच में रजिस्टिविटी है ना टेम्परेचर के बीच में ग्राफ देखते हो बेटा यहां पर मान लो रजिस्टिविटी या फिर रजिस्टेंस हुआ आपका और यहां पर हुआ टेम्परेचर तो ये रजिस्टिविटी क्या होती है बेटा डिक्रीज होती है रजिस्टिविटी डिक्रीज होती, होती है इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर मटीरियल ये रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है इन केस ऑफ कंडक्टिंग मटीरियल और ये रजिस्टिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है इन केस ऑफ अलॉयज बेटा इन केस ऑफ अलॉयज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है इन केस ऑफ अलॉयज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है ये डिक्रीज हो रहा है है, मतलब ये सेमी कंडक्टिंग मटीरियल है बेटा इंक्रीज हो रहा है मतलब ये कंडक्टर है बच्चों राइट और यहां पर ये यह क्या हो जाते हैं आपके अलॉय हो जाते ऑलमोस्ट नो चेंज तो यहां पर इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा ठीक है सबको समझ में आ रहा है रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बेटा फॉर्मूला आपके सामने है फॉर्मूला आपके सामने है प्लीज केयरफुली इसको नोट कर लेना ठीक है अच्छा रजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है सो रजिस्टिविटी कैन बी लाइक दिस रजिस्टिविटी रो एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू रजिस्टिविटी एट जीरो डिग्री सेल्सियस वन प्लस यहां पर होगा आपका अल्फा और यहां पर होगा डेल्टा थीटा इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर को एफिशियंट ऑफ रजिस्टेंस क्या कहते हैं अल्फा को अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर को एफिशियस टेम्परेचर को एफिशियंट ऑफ रजिस्टेंस कहेंगे इज दैट क्लियर यहां तक सबको समझ में आ गया टेम्परेचर को एफिशियंट ऑफ रजिस्टेंस बहुत बढ़िया ठीक है आगे बात करते हैं नीट 2020 का सवाल है देखो जरा क्या कहना चाह रहा है टू सॉलिड कंडक्टर्स कंडक्टर आप मेडअप ऑफ सेम मटीरियल हैविंग द सेम लेंथ एंड सेम रजिस्टेंस अच्छा सेम लेंथ भी है और सेम रजिस्टेंस भी है वन ऑफ देम हैज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ए वन एंड अदर वन हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ए टू द रेश ऑफ ए वन बाई ए टू इज ओके ओके टू सॉलिड कंडक्टर्स आर आर मेडअप ऑफ सेम मटीरियल ठीक है भाई मटीरियल भी सेम है मटीरियल भी सेम है ठीक है लेंथ भी सेम है मटेरियल सेम तो रजिस्टिविटी सेम हो गई बच्चों अगर सेम, तो सेम, बोलो, yes no, तो यहां पर रजिस्टेंसिस्टिविटी रो इन टू में आपको लिखना पड़ेगा सर एल डिवाइडेड बाई ए लिखना पड़ेगा कि नहीं वेरी गुड अब आपको बोला है कि यहां पर सेम रेजिस्टेंस है मतलब आप लिखोगे कि सर आर वन इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा सर ऐसे आर

I वर्सेस V का ग्राफ है किसका ग्राफ है बच्चों I वर्सेस V का ग्राफ है I वर्सेस V का ग्राफ है मतलब क्या लिखोगे मतलब लिखोगे कि सर स्लोप जो है वो होगा tan थीटा और तो tan थीटा होगा उसको अपन लिखेंगे सर I डिवाइडेड बाई V और वो बेसिकली वन डिवाइडेड बाई R होगा क्या होगा बच्चों स्लोप यहां पर वन बाय R होगा यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्लोप रस यस और नो एवरीवन अरे भाई रेजिस्टेंस क्या आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद स्लोप आ रहा है तो जिसका यहां पर अगर आप बोलोगे कि सर टू दिस करस्पॉसरेचर रजिस्टेंस इज आर टू एंड करस्पॉन्डिंग टू जिसका स्लोप ज्यादा है उसका कम होना चाहिए तो दोस्तों आर वन कम होना चाहिए आर टू के कंपेरिजन में और जिसका रेजिस्टेंस यहां पर कम है उसका टेम्परेचर कम होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका टेम्परेचर यहां पर ज्यादा होगा तो करेक्ट आंसर हमें क्या बोलना पड़ेगा एवरीबॉडी करेक्ट आंसर हमें बी कहना पड़ेगा सर यहां पर टू वाले का स्लोप कम है इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेंपरेचर भी ज्यादा बोलो यस और नो एवरीबॉडी चमक गया बहुत बढ़िया अगला सवाल है ठीक है अगला सवाल है बेटा यहां पर सॉल्व ही किया हुआ है यार देखो जरा the resistance of a wire at 20 degree celsius is 20 ohm and at 500 degree celsius is 60 ohm at टेम्परेचर इट्स रजिस्टेंस विल बी ट्वेंटी सबसे पहले इस से देखो अल्फा का वैल्यू ट्वेंटी रखा तो यहां पर आपने रख दिया टेम्परेचर की जगह ट्वेंटी क्योंकि ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस था बेटा जब आपने यहां पर रखा आर का वैल्यू सिक्स थी तो यहां पर आपने टेम्परेचर रख दिया बेटा फाइव हंड्रेड ठीक है ये दो इक्वेशन है आपके पास और दो अनोन है यहां से आर नॉट और अल्फा दोनों गया अब इस वाले फॉर्मूले में आप कि की आर की की जगह 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 नॉट और अल्फा की दिस वैल्यू तो वैल्यू बेटा तो का सॉल्व करके आंसर आंसर आ आ रहा है। आंसर आ रहा है, है, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने स्लाइड में रख बता दे ठीक है तो दो अगर यहां पर आपको 60 ओम क्या करोगे आर टीज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी का फॉर्मुला दो इक्वेशन बनाकर इनको आपस में सॉल्व करेंगे फॉर अल्फा एंड आर नॉट बेटा और उसको इस वाले फॉर्मुले में रख के सॉल्व कर देंगे फॉर टाइम ठीक है बच्चों यस एवरी वन आगे आ जाओ कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस किसकी बात करते हैं बच्चों कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या आप लोग जानते हैं कि मार्केट में जब आप रेजिस्टेंस परचेस करने जाएंगे मार्केट में जब आप रेजिस्टेंस परचेस करने जाएंगे तो ये रजिस्टेंसिज़ आपको इस तरह से मिलते हैं ये रजिस्टेंसिज आपको इस तरह से मिलते हैं ठीक है यू विल बी गेटिंग दिस रजिस्टेंसेज लाइक दिस इस तरह के बैंडस होंगे और यहां पर बैंड्स में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस तरह का सेटअप होगा अब यहां पर ये बोला जाएगा कि देखो यहां पर एक बैंड है ठीक है फिर यहां पर एक दूसरा बैंड होगा फिर यहां पर एक तीसरा बैंड होगा

की पावर बोलते हैं और यह बताता है टॉलरेंस ये यह क्या बताता है बेटा यह बताता है टॉलरेंस यानी कि कितना परसेंटेज एरर होगा यह बातें पहचाने क्या तरीका होता है तो थोड़ा सा यहां पर आ जाता है बेटा थोड़ा सा हाँ पर आ जाता है। किसी को एवरी चैट सेक्शन में लिख के बताओ जरा जल्दी से याद है किसी को क्या करते हैं अपन बी बी रॉय बी रॉय ऑफ ग्रेट है ना भारत बीबी रॉय ऑफ है ना ऐसे लिख लेते पूरा पूरा बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत ठीक है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैज हैज वेरी गुड है ना हैज वेरी गुड वाइफ ठीक है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैज वेरी गुड वाइफ याद होगा आप सभी लोगों को याद है कि नहीं याद है है ना याद है बच्चों बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ ऐसा ग्रेट ब्रिटेन होता है मैं यहां पर इसको है ना <laughs> मैं इसको बोलता हूं ग्रेट भारत ठीक है हम भारत में रहते हैं हम भारत की बात करें हम भारत में रहते भारत का रहने वाला हूं भारत की बात सुनाता हूं ठीक है चलो बच्चो तो कहां से शुरू करते कहानी कहां से शुरू करें ऐसे सर बी ऐसे बनाते इसको बी बी रॉय बी बी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैज वेरी गुड वाइफ ठीक है बी बी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैज वेरी गुड वाइफ सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये निमनिक्ष याद होने के बाद में ये पता लगाना कि कौन कहां किस तरह का होगा अब मुझे बताइए आप सभी बच्चों में से आप सभी बच्चों में से कि यहां पर ये बी किसके लिए स्टैंड करेगा दिस बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक दिस बी स्टैंड्स फॉर ब्राउन दिस स्टैंड्स फॉर रेड दिस स्टैंड फॉर ऑरेंज दिस स्टैंड्स फॉर येलो ये वाला स्टैंड्स करेगा बेटा ग्रीन ये वाला स्टैंड करेगा बेटा ब्लू ये वाला स्टैंड करता है वॉयलेट ये होता है आपका ग्रे, ग्रे और ये होता है आपका व्हाइट दैट क्लियर बच्चों यस एवरीवन so this b stands for black color this b stands for black color beta this b stands for brown color yes everyone this r stands for red color this o stands for orange color very good y stands for yellow क्या बात है दिस जी स्टेंड्स फॉर ये जी होता है बेटा ग्रीन कलर क्या होता है बच्चों ग्रीन कलर ये बी होता है किसका बच्चों ब्लू कलर के लिए ये ब्लू के लिए होता है ये वी होता है आपका वॉयलेट कलर के लिए वेरी गुड ये जी होता है आपका ग्रे कलर के लिए और ये होता है बेसिकली आपका व्हाइट कलर के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लैक कलर के लिए जो नंबर होता है वो होता है जीरो ब्राउन के लिए जो नंबर होता है वो वन रेड के लिए जो नंबर होता है वो टू ऑरेंज के लिए जो नंबर होता है बच्चों वो थ्री एवरी ठीक है येलो के लिए जो नंबर होता है दट इज फोर ग्रीन के लिए जो नंबर होता है दट इज फाइव ब्लू के लिए जो नंबर होता है दट इज सिक्स वॉलेट के लिए जो नंबर होता है दट इज सेवन ग्रे के लिए जो नंबर होता है दट इज एट और व्हाइट के लिए जो नंबर होता, होता है दट इज नाइन बेटा ठीक है यहां पर होता है टॉलरेंस तीन तरह की होती है इसमें टॉलरेंस तीन तरह की होती है बच्चों कौन कौन सी टॉलरेंस होती है एक होता है और नो no no कलर तो के लिए ट्वेंटी परसेंट एरर हम लेकर चलते हैं कितना परसेंट एरर लेकर चलते हैं बच्चों ट्वेंटी परसेंट एरर लेकर चलते हैं सवाल के जरिए सिखाता हूं यह सारी की सारी कहानी जो हमने यहां पर लिखी कार्बन कोडिंग की बेटा सवाल के जरिए आपको सिखाते हैं कि कैसे बन सकता है कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है ठीक है रेडी एवरीवन बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे दोस्तों बहुत अच्छे आ जाओ यहां पर नीट 2020 में ही सवाल आया हुआ है इसको देखो जरा नीट 2020 में ही सवाल आया हुआ है कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो बेटा येलो वॉलेट ब्राउन एंड गोल्ड ठीक है येलो येलो पहला कलर क्या बताता है बेटा फर्स्ट डिजिट तो आप लिखोगे रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू येलो कलर के लिए देखो यहां पर नंबर चार आता है येलो कलर के लिए यहां पर क्या आता है बेटा नंबर फोर आता है फिर कौन सा वॉयलेट कलर वॉयलेट कलर के लिए अगर आप देखोगे नंबर कौन सा आता है बच्चों नंबर आता है तो यहां पर आपने सर फिर आप लिखोगे में थर्ड कलर टेल्स यू की पावर बेटा थर्ड कलर टेल्स यू टेन की पावर वो क्या है ब्राउन है ब्राउन यहां पर क्या है बेटा ब्राउन यहां पर वन पे रखा हुआ है थर्ड कलर है आपका ब्राउन का नंबर वन यानी कि टेन की पावर वन हो जाएगा ये रेजिस्टेंस आएगा आपका ओर ओम में और प्लस माइनस इसमें जो एरर होगी वो होगी बेटा पांच परसेंट तो आंसर हो रहा है 470 470 ओम प्लस माइनस यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी सबको समझ आया बेटा कि कैसे यहां पर कलर कोडिंग का यूज करके आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं पहला कलर बैंड आपको बताता है पहला डिजिट दूसरा कलर बैंड आपको बताता है दूसरा डिजिट तीसरा कलर बैंड आपको बताता है कि टेन की पावर क्या लिखोगे और चौथा कलर बैंड आपको बताता है उसकी टॉलरेंस उसकी एरर लिमिट क्या होगी गोल्ड है तो पांच परसेंट सिल्वर है तो दस परसेंट और कोई कलर नहीं हो तो ट्वेंटी परसेंट ठीक है बहुत बढ़िया आगे आ जाओ अगला सवाल है 2000 हजार किस में आया बेटा 18 में और बहुत बढ़िया सवाल आया नीट 2018 का पेपर सबसे खूबसूरत पेपर बना था बेटा ठीक है आ जाइए अ कार्बन रजिस्टर 47 प्लस माइनस 4.7 बेटा 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम इज टू बी मार्क्ड विथ रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन द कलर कोडिंग सीक्वेंस वुड बी सबसे पहले ये क्या है बेटा ये 4.7 परसेंटेज नहीं है ये डेल्टा आर है 4.7 इज योर डेल्टा आर बेटा जो एब्सोल्यूट एरर है तो परसेंटेज एरर क्या बनाओगे रेजिस्टेंस का वैल्यू तुम्हारा 47 है तो आपको लिखना पड़ेगा सर डेल्टा आर डिवाइडेड बाय जब आप आर करोगे तो ये होगा सर 4.7 डिवाइडेड बाय आप यहां पर करोगे सर 47 माफ करना ये वाली वैल्यू अपने को 47 लिखनी थी दिस वैल्यू वुड बी ऑर कितना बेटा 47 तो यहां पर आप लिखोगे सर 47 और परसेंटेज एरर के लिए आप लिखोगे सर डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय आपको 100 करना पड़ेगा एवरीवन तो ये हो जाएगा सर 47 सेवन डिवाइडेड बाई फोर्टी मल्टीप्लाई आप यहाँ पर क्या करोगे बेटा हंड्रेड तो आपको समझ में आएगा सॉल्व करने पर आंसर आएगा टेन यानी कि टॉलरेंस किसकी होनी चाहिए बेटा सिल्वर की टॉलरेंस किसकी होनी चाहिए बच्चों सिल्वर की तो ये ऑप्शन आपके खत्म हो गए अब देखो स्टार्टिंग फ्रॉम फोर फोर कहां से शुरू होता है बेटा येलो से शुरू होता है तो येलो सेवन के लिए वॉयलेट फिर यहां पर क्या आएगा बेटा ऑरेंज और उसके बाद आएगा आपका सिल्वर किलो ओम में लिखा है ना किलो ओम में लिखा है तो ऑरेंज के लिए टू दी पावर यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा देखो ऑरेंज के लिए टू दी पावर मल्टीप्लाई होगा और जब टेन रेस्ट पावर थ्री होगा तो यहां पर यह क्या हो जाएगा ओम से मेजर होकर चला जाएगा किलो ओम्स में ओम से मेजर होकर चला जाएगा किलो ओम्स में यहां पर आपको बस एरर पता लगाने के लिए अलग तरीके से डायमेंशन का या एरर का एप्लीकेशन करना था बेटा वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप एपसल्यूट एरर से परसेंटेज एरर निकालोगे समझ आया सभी लोगों को नीट 2018 का सवाल था बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेज की अब हम बात करते बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेज की अगर हम बात करें तीन रजिस्टेंसेज अगर आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो बेटा कुछ इस तरह से तीन रजिस्टेंसेज अगर आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो कुछ इस तरह से एक रजिस्टेंस यहाँ हो गया दूसरा रजिस्टेंस यहाँ हो गया और तीसरा रजिस्टेंस आपका यहाँ हो गया इफ थ्री रजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज़ और यहाँ पर कोई सप्लाई आपने रखा हुआ है बेटा तो एक बात समझ लीजिए सीरीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं ठीक है जो भी आपने यहां पर वोल्टेज दिया वो यहां पर जाएगा अगर ये रेजिस्टेंस आपका R1 है ये रेजिस्टेंस आपका R2 है ये रेजिस्टेंस अगर आपका R3 है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा बेटा तो वो V2 होगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा बेटा वो तो V3 होगा एवरी वन वी वन वी टू वी थ्री वोल्टेज डिवाइड होता है लेकिन यहां पर क्या चीज होती है बेटा यहां पर होता है करंट आपका कांस्टेंट तीनों तीनों के तीनों में या जितने भी कनेक्टेड होंगे सब में करंट कांस्टेंट होगा यहां से जाने वाला करंट यहां से जाने वाला करंट और यहां से जाने वाला करंट आपका सेम होगा लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी वन होगा इसके अक्रॉस वी टू होगा इसके अक्रॉस वी थ्री होगा तो बच्चों हम ये बात जानते हैं कि सर वी इज इक्वस टू क्या होता है आई आर होता है और अगर I आपका कांस्टेंट है I अगर आपका कांस्टेंट है तो जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा यानी कि जो रेजिस्टेंस बड़ा होगा उसके अक्रॉस ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो रेजिस्टेंस छोटा होगा उसके अक्रॉस कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा एक बात तो ये समझ में आ जाती है दूसरी बात डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों डायरेक्ट लिखते हैं कि सीरीज रजिस्टेंस यहां पर क्या हो जाएगा सर आपका हो जाएगा सर आर वन प्लस ये हो जाएगा आपका आर टू प्लस ये हो जाएगा आपका आर थ्री इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाल सकते हैं वैल्यूज बेटा ठीक है बहुत बढ़िया अब एक छोटी सी बात आपको और बता देते हैं यहां पर नोट पॉइंट में समझिएगा ठीक है जो आपका आर एस होगा विल बी विल बी मोर देन क्या होगा बेटा आर एस विल बी मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ विल बी मोर देन विल बी मोर देन आर हाइएस्ट

रजिस्टेंसेज अगर कनेक्टेड हैं एन आइडेंटिकल रजिस्टेंसेज कनेक्टेड हैं बेटा इन सीरीज अगर एन आइडेंटिकल रजिस्टेंसेज हैं कनेक्टेड इन सीरीज तो यहाँ पर जो आर एस होगा वो हो जाएगा बेटा एन टाइम्स ऑफ आर वो हो जाएगा बेटा एन टाइम्स ऑफ आर एंड एंड साथ ही साथ आप लिखेंगे सर वोल्टेज अक्रॉस ऐसा लिखेंगे बच्चों वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टेंस वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या होगा तो जब आप वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस लिखेंगे आपको एक बात समझ में आएगी वो हो जाना चाहिए टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय एन बेटा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय एन ऐसा क्यों क्योंकि अगर ये भी आर है ये भी आर है ये भी आर है तो यहां पर जो टोटल वोल्टेज होगा वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी है प्लीज रिमेंबर दिस केयरफुली बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम क्रिस्प जितना रिक्वायरमेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मैं बस लिख रहा हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों ठीक है यस एवरी वन ठीक है आगे आ जाओ सीरीज के बाद आता पैरल कॉम्बिनेशन पैरल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है कि यार यहां पर मेरे पास एक रजिस्टेंस अगर है ठीक है यहां पर मेरे पास क्या है बेटा दूसरा रजिस्टेंस है ठीक है यहां पर मेरे पास क्या है बच्चों दूसरा रजिस्टेंस है फिर यहां पर मेरे पास क्या है बच्चों तीसरा रजिस्टेंस है इस तरह से तो ये तीन रजिस्टेंसेज हमने ले लिए इन तीनों रजिस्टेंसेज को आपस में क्या किया बेटा कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी इन तीनों रजिस्टेंसेज को हमने कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी अब यहां पर आप देखोगे जब बैटरी आपने कनेक्ट करी है जब आपने बैटरी कनेक्ट करी है तो आपको पता चल रहा है बैटरी कनेक्ट करने से कि सर इस सर्किट में अगर इसका रजिस्टेंस आर है इसका रेजिस्टेंस अगर R2 है इसका रेजिस्टेंस अगर R3 है यहां पर यह प्लस है यहां पर ये यह माइनस है अगर यहां पर वोल्ट है, तो यहां पर जीरो वोल्ट होगा अब इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखो V माइनस जीरो अक्रॉस भी V माइनस जीरो और इसके अक्रॉस भी V माइनस जीरो सभी के अक्रॉस पोटेंशियल इज V माइनस जीरो बेटा सभी के अक्रॉस इसके अक्रॉस पोटेंशियल V माइनस जीरो अक्रॉस पोटेंशियल वी माइनस जीरो इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी माइनस जीरो यानी कि पैरेलल ग्रुपिंग में आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि सर वी जो है हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है v हमारा क्या होता है बेटा कांस्टेंट होता है इसका मतलब आई आर जो है वो कांस्टेंट होगा और आई आर के कांस्टेंट होने का मतलब है आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा यानी कि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम होगा होना भी चाहिए जहां रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा ज्यादा होगा वहां पर करंट कम होगा यहां पर अगर आप बात करेंगे सर वन डिवाइडेड बाई आर पैरल हार्मोनिक सम होगा ये हो जाएगा आपका वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस होगा बच्चों डिवाइडेड आपका R2, प्लस हो जाएगा यहां पर डिवाइडेड एंड सो ऑन इस तरह से होता है अगर बच्चों यहां पर ये बात लिखी जाए एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड हो अच्छा एक बात आपको बता दे बेटा एग्जांपल के तौर पर मान लो दो ही रेजिस्टेंस लेते हैं एग्जांपल से समझ में आ जाएगा मान लीजिए कि R1 इज इक्वल्स टू आपका कितना है बच्चों 3 ओम है एंड R2 इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों 6 ओम है ये कनेक्टेड है इन पैरेलल ठीक है कनेक्टेड इन पैरेलल तो क्या लिखोगे वन डिवाइडेड बाय आप लिखोगे सर आरपी इज इक्वल टू ये बनेगा बेटा वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस क्या बनेगा बच्चों वन डिवाइडेड बाय आपका आर टू कुल मिलाकर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आरपी का फॉर्मूला बन जाता है बच्चों दो रजिस्टेंस के लिए आर वन आर टू एंड होल डिवाइडेड बाय

RP जो होगा बेटा पैरल ग्रुपिंग का इक्वे रेजिस्टेंस वो क्या होगा विल बी विल बी क्या होगा बच्चों स्मॉलर विल बी क्या होगा बेटा स्मॉलर देन देन आर लोवेस्ट बेटा जो आर कम से कम होगा ना जो आर मिनिमम होगा जो आर मिनिमम होगा उससे भी ये कम होगा यानी कि पैरेलल ग्रुपिंग क्या करता है बेटा पैरेलल ग्रुपिंग रेजिस्टेंस को कम करता है यानी कि करंट को बढ़ा देगा पैरेलल ग्रुपिंग में अगर कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस कम होगा मतलब करंट आपका बढ़ेगा समझ आई बात सब लोगों को अच्छा अब एक बात और देखोगे तो आपको यह भी क्लियर होगा कि सर जो आर पी का वैल्यू है जो आर पी का वैल्यू है वो मोर देन है बेटा आर वन डिवाइडेड बाई टू से एंड लेस देन है बच्चों किससे r2 डिवाइडेड बाय 2 से यानी कि हायर वैल्यू के बाय 2 से कम है और लोअर वैल्यू के बाय 2 से ज्यादा है बेटा हो सकता है ऐसा एक सवाल कहीं आपको देखने को मिल जाए ठीक है rp की वैल्यू देखो कितनी है 2 है rp की वैल्यू कितनी बेटा 2 है व्हिच इज लार्जर देन 3/2 बट लेसर देन 6/2 ठीक है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगली बात ये करेंगे बेटा 4 4 एन आईडेंटिकल फॉर एन आइडेंटिकल रजिस्टेंस अगर एन आईडेंटिकल रजिस्टेंस आपने कनेक्ट किए हैं तो क्या सीन होगा तो यहां पर आएगा बेटा टू यह हो जाएगा बेटा एन डिवाइडेड बाई आर एंड आप लिखेंगे सर यहां पर आर पी इज इक्वस टू आर डिवाइडेड बाई एन एंड करंट इन ईच रजिस्टेंस विद बी वन आई बाई एन बेटा करंट यहां पर क्या होगा एंड करंट जो करंट डिवाइड हो रहा था ना वो तो यहां पर लिखोगे करंट इन ईच रजिस्टेंस बेटा करंट इन ईच रजिस्टेंस विल बी क्या होगा तो आप लिखेंगे सर आई प्राइम इज इक्वस टू टोटल करंट आई डिवाइडेड बाई एन टोटल करंट आई डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा बोलो यस और नो एवरी वन क्या ये बात सबको समझ में आ रही है टोटल करंट आई डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा मानते हो बात की नहीं मानते हो बात की नहीं एक मिनट रुकेगा ठीक है क्लियर है क्लियर है दोस्तों क्लियर है क्या सीन है क्या सीन है क्लियर है वेरी गुड वेरी गुड यहां तक सबको चमका कि नहीं चमका जल्दी बताओ यहां तक सबको चमका कि नहीं चमका चमक गया चमक गया ठीक है सवाल करते बेटा सवाल करते जरा आ जाओ जल्दी से सवाल करते क्या क्या कहानी है सवालों में देखते हैं जरा ओके टू रजिस्टेंसेज आर ज्वाइंट इन पैरल रजिस्टेंस वायर इज ब्रोकन एंड द इफेक्टिव रजिस्टेंस बिकम टू ओम देन द रजिस्टेंस इन ओम ऑफ द वायर दैट गॉड ब्रोकन वॉज अच्छा अच्छा ठीक है भाई ये बोल रहा है कि दो रजिस्टेंसेस हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो आप लिखेंगे सर वन डिवाइडेड बाय आर पी जब हम लिखते हैं या हम ऐसे लिखते हैं कि सर आर पी बेसिकली जब हम लिखते हैं तो वो होता है यहां पर कितना बेटा वो दो रजिस्टेंस की बात करें ना तो आर वन इंटू आर टू और नीचे क्या हो जाएगा आपका आर वन प्लस आर टू होता है और इसका वैल्यू वो बोल रहा है कि सिक्स डिवाइडेड बाई एट है क्या है बच्चों सिक्स डिवाइडेड बाई एट है ठीक अच्छा अब यूं कहना पड़ रहा है कि सर वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर वॉज ब्रोकन एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम टू ओम अगर दो रेजिस्टेंस में से एक ब्रोकन हो जाएगा बेटा दो रेजिस्टेंसेस तो कनेक्टेड हैं आपके पास एक ऐसा ऊपर R1, एक ऐसा नीचे R2. अब ये दो अगर आपस में ऐसे कनेक्टेड हो और इनमें से एक अगर ब्रोक हो जाएगा तो भाई मान लेते कि R1 ब्रोक हो गया तो सारा का सारा करंट आर से निकलेगा मतलब आर का वैल्यू अगर हमको यहां पर टू ओम दिया हुआ है तो इस अनोन की वैल्यू क्या होगी इस अनोन की वैल्यू क्या होगी तो बेटा तुम्हें यह समझ में नहीं आता है क्या कि इसमें हम यहां पर देखो क्या कर रहे हैं रिजल्ट हमारे सामने है भाई इसको मैं लिख दूंगा कि सर यह मेरा आर वन रहेगा यहां पर यह मेरा क्या रहेगा टू रहेगा ये नीचे क्या हो जाएगा सर आर वन रहेगा प्लस यहाँ पर क्या रहेगा टू इज इक्वस टू कितना हो गया बेटा सिक्स डिवाइडेड बाय एट इज इक्वस टू कितना हो गया बेटा थ्री डिवाइडेड बाई फोर फोर का मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो हो जाएगा सर एट आर वन इज इक्वस टू ये हो जाएगा बेटा थ्री आर वन और प्लस हो जाएगा बच्चों सिक्स तो यहां पर कितना हो जाएगा फाइव आर वन इज इक्वल टू सिक्स तो आर वन इज इक्वल टू कितना आ गया 6 divided by 5. चमका अरेवरी वन yes no, कोई बड़ी रॉकेट साइंस थी क्या कोई बड़ी रॉकेट साइंस थी क्या सिक्स बाय फाइव इज द करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ चैंपियंस जल्दी से बताओ यस बच्चों क्विकली क्विकली ठीक है ठीक है आ गया आ गया वेरी गुड जस्ट अ मिनट हाँ बेटा लाइट आ गई है वापस मैं जरा ए चालू करके आ जाता हूँ ठीक है चलो जी सबको समझ आया जल्दी से बताओ यस भैया क्लियर है यस yes. चलो अगला सवाल नीट 2020 में कितना सिंपल सवाल यार द इक्वल इंडिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द मेश शॉन इन द फिगर बेटा देखो यहां पर अगर आप एक इमेजनरी बैटरी एज्यूम कर लो जिन दो पॉइंट्स के बीच में जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको करंट कैलकुलेट करना हो जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको करंट कैलकुलेट करना हो बेटा उन पॉइंट्स के बीच में आप एक बैटरी एज्यूम कर लीजिए और जैसे आपने यहां पर बैटरी एज्यूम करी अब यहां से जो करंट निकलेगा वो इधर जाएगा वो यहां पर आकर डिवाइड होगा बेटा इसमें और इसमें तो आपको दिख रहा है कि सर ये दोनों हो गए सीरीज में एवरी अरे ये दोनों हो जाएंगे सर सीरीज में आठ और चार हो जाएंगे बारह बारह और ये छह आपस में हो जाएंगे पैरेलल ठीक है ये बारह और छह आपस में क्या हो जाएंगे बेटा पैरेलल हो जाएंगे तो कैसे करोगे करेंगे कुछ इस तरह से कि भैया ये हो गए चार और आठ दोनों मिलकर बारह एवरीवन देखो जरा तो ये हो जाएंगे दोनों मिलकर बारह मतलब अपन ये लिखेंगे सर बारह और छः का पैरेलल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर बारह प्लस छ यानी कि अट्ठारह तो हम लिखेंगे सर यहाँ पर कितना आपका ट्वेल्व इंटू मै सिक्स नीचे हो जाएगा बच्चों आपका एटीन ये सिक्स थ्री एटीन जाएगा और ये बनेगा आपका फोर तो यहाँ पर ये पूरा पैनल सॉल्व होके बन गया बेटा चार तो चार प्लस चार प्लस आठ ये हो जाएगा कितना बेटा सोलह आंसर क्या आएगा सर सोलह आ रहा है यस एवरीबॉडी आंसर इज सिक्सटीन ठीक है ओके okay, बच्चों चलो अगला सवाल देखते हैं ओ माई गॉड ये तो लैग कर रहा है ठीक है चलो लैपटॉप है ना जब गर्म हो जाता है भाई हद गर्म हो गया क्योंकि अभी ना लाइट चली गई थी तो एसी बंद हो गई थी चलो फिर okay, एनीवेज आगे कहानी बढ़ाते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ आर नेट बिटवीन ए एंड बी बेटा ये रहा आपका ए ये रहा आपका बी इसके बीच में आपको आर नेट कैलकुलेट करना है नीट 2017 में सवाल आया था बहुत सिंपल है बच्चों पहले सबसे दूर वाली पैनल को सॉल्व करेंगे ये आएगा 10, प्लस 10 20, प्लस 20, प्लस 20, बिकम 40। तो ये वाला चालीस प्लस ये वाला चालीस दोनों पैरल है बेटा ठीक है तो ये पूरा पैनल वापस से बन जाएगा चालीस बेटा यानी कि बीस फिर से ये दस प्लस बीस प्लस दस फिर से 40 40 बटा बत, दो, यानी कि फिर से 20 तो 10 प्लस 20 प्लस 10 यानी कि आंसर वुड बी 40 बेटा आंसर वुड बी 40 ओम आंसर वुड बी 40 ओम एवरीवन एवरीवन फार्थेस्ट पैनल से शुरू करेंगे फार्थेस्ट पैनल से शुरू करेंगे और पहुंचेंगे उस पैनल की तरफ जिसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ठीक ठीक बहुत बढ़िया बहुत अच्छे दोस्तों बहुत अच्छे आगे आ जाओ, आगे आ आ जाओ जाओ हो जाएगी, हो जाएगी जाएगी ये लैग की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाएगी बस अभी आप देखते रहो जब आप यहां पर क्या करते हो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल बेटा एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल क्या कहते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल पॉइंट बेटा क्या बोलता है इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कि जो पॉइंट इक्वल पोटेंशियल के हैं उनको एक जगह पर लाकर लिखा जा सकता है जो पॉइंट्स इक्वल पोटेंशियल के होंगे उनको एक जगह पर लाकर लिखा जा सकता है जैसे यहां पर अगर मैं देखूं मान लीजिए इसका पोटेंशियल भी है

आर और आर तीनों आर आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं तो फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा यहां पर आर डिवाइडेड बाय थ्री आर डिवाइडेड बाय थ्री तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं इक्वल रेजिस्टेंस वैल्यू है आर बाय थ्री लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा बच्चों आर बाय थ्री लिखना पड़ेगा एवरी यस yes? ये बात भी समझ में आ गई बहुत बढ़िया आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ अगले सवाल की तरफ सेम टू सेम बातें बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल यहाँ पर आता है नेटवर्क द इक्वीट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ए और बी के बीच में इक्वी वैलेंट रजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा ए और बी के बीच में इक्वी वैलेंट रजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा जल्दी से हाँ नहीं इतना ज्यादा भी नहीं हो रहा है लैग मतलब कम से कम क्लास तो ठीक चल रही है समझ में तो सारी बातें आ ही रही हैं ना समझ में तो सारी बातें आ ही रही हैं राइट माई डियर फ्रेंड्स कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिए अभी ठीक अच्छा अब इस वाले सर्किट में देखो जरा अगर यहां पर V वोल्ट है और यहां पर मान लीजिए जीरो वोल्ट है तो यहां पर भी V है 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 यहां पर भी जीरो 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 क्या आप इस पूरे सर्किट को ऐसा बोल सकते हैं क्या आप इस पूरे सर्किट को ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये आठ और दो आपस में कैसे हो गए बेटा पैरेलल ये छे और चार कैसे हो गए बेटा आपस में पैरल बोलो यस और नो एवरी वन ठीक है अच्छा ये वाला पूरा का पूरा अगर सिंगल रेजिस्टेंस सिंगल वोल्टेज वाली लाइन है बेटा तो इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट कर दो देखो अब मैं आपको थोड़ा सा एक एक, और तरीका बताता हूं ठीक है एक और तरीका बताता हूं यहां बता पर वी है ये पॉइंट ए है इसको पॉइंट वन बोल दो इसको पॉइंट टू बोल दो इसको पॉइंट थ्री बोल दो इसको पॉइंट बी बोला इसको पॉइंट आप यहां पर फोर बोल दो इसको पॉइंट फाइव बोल दो इसको पॉइंट सिक्स बोल दो इसको पॉइंट सेवन बोल दो ठीक है ऐसे पॉइंट लिख लो ऐसे पॉइंट लिख लेने से काम और आसान हो जाएगा कैसे आ जाओ जरा अब आपने यहां पर लिखा ए ए के साथ कौन कौन से पॉइंट कनेक्टेड है बेटा वन भी कनेक्टेड है टू भी कनेक्टेड है और थ्री भी कनेक्टेड है अगर आप पॉइंट ए के साथ देखोगे तो वन टू और थ्री तीनों कनेक्टेड है ए के साथ सीधा सीधा मैंने लिख लिया बेटा वन टू थ्री तीनों एक साथ कनेक्टेड है यहां पर हमने लिखा पॉइंट बी पॉइंट बी के साथ अगर आप देखोगे तो फोर भी कनेक्टेड है फाइव भी कनेक्टेड है और सिक्स भी कनेक्टेड है यस एवरी वन और एक बीच में ना आप यहां पर सेवन अलग से लिख लो सेवन अलग से लिख लो ठीक है जो वैल्यू आपको दिख रही है कि यार किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है उसको मैंने बीच में सेवन लिख दिया अब आपको क्या पहचानना है बस उसको देखो जरा बिटवीन वन एंड यहां पर सेवन कुछ नहीं है ठीक है आप सीधा देखोगे बिटवीन टू एंड सेवन देर इज वन रजिस्टेंस बेटा बिटवीन टू एंड सेवन देर इज वन रजिस्टेंस तो यह रहा टू ये रहा टू ये रहा सेवन देर इज वन रजिस्टेंस ठीक है वो रजिस्टेंस आपने एट ओम को लिखा बेटा वो रजिस्टेंस आपने एट ओम का लिखा है ऐसे वेरी गुड ठीक है फिर आप देखोगे सर बिटवीन बिटवीन थ्री एंड सेवन अनदर रजिस्टेंस इज देयर बिटवीन थ्री एंड सेवन यहां पर है थ्री यहां पर है सेवन तो थ्री और सेवन के बीच में यहां पर थ्री ओम सॉरी टू uh, तो ओम दिख रहा है कितना दिख रहा है बेटा टू ओम दिख रहा है ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एवरी वन टू ओम दिख रहा है वेरी गुड

तो हमने कहा यार ये रहा थ्री और ये यहाँ पर है बेटा आपका सिक्स तो यहाँ पर हमने एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसको हमने कहा सिक्स ओम ये यहाँ पर सिक्स के साथ जाके कनेक्ट हो कर जाएगा वेरी गुड पूरा सर्किट सिंपल सॉल्व हो जाएगा बेटा अब आप देखोगे सर सात और पाँच के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है और सात और छः के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है ये सभी उन बच्चों के लिए हो रहा है जिनको बिल्कुल सर्किट सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह से सॉल्व करके और बढ़िया समझ सकते हैं ठीक है अब आपको क्लियर समझ में आ गया अब आपको क्लियर समझ में आ गया कि सर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं सर ये दोनों आपस में पैरेलल है और इनका आपस में सीरीज हो जाएगा और बाकी सभी एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्टेड है क्योंकि यहां पर आपने बैटरी कनेक्ट करनी है यहां पर आपने बैटरी कनेक्ट करनी है तो बच्चों मैं ये कहूँगा फाइनली मैं ये कहूँगा फाइनली कि अब ये सर्किट आप सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों आपस में पैरेलल है इनकी पैरेलल ग्रुपिंग कैसे सॉल्व होगी सर आठ इंटू में दो नीचे हो जाएगा सर आपका आठ प्लस दो यानी कि ये हो जाएगा बेटा सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टेन वेरी गुड ये दोनों पैरल ग्रुपिंग में ये कैसे सॉल्व होगा बेटा फोर इंटू नीचे हो जाएगा बेटा आपका फोर प्लस 6, तो वैल्यू आ जाएगी सर ट्वेंटी डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये आपका दस ठीक है समझ में आ रही बात वेरी गुड तो ऐसे एक एक करके रिजोल्व करते हैं अब ये वाला थ्री प्लस इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन और ये वाला सिक्स आपस में सभी पैरेलल हो जाएंगे और ये दोनों आपस में सीरीज में है इनको बस जोड़ना है आपको तो 16 बटे दस और प्लस क्या हो जाएगा बेटा आपका 24 बटे दस तो आंसर आएगा बेटा यहां पर नीचे 10 और ये हो जाएगा कितना बेटा आपका 30 और 10 40 ये हो जाएगा 40 तो ये आंसर आ रहा है बेटा 4 ओम तो बीच वाला 4 चार तीन और ये है वैल्यूज़ यहां पर चार तीन और छह है वैल्यूज यहां पर बेटा तो करेक्ट आंसर जब आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा फोर बाई थ्री चाहो तो आप पूरा ऐसे करके देख सकते हो चाहो तो आप पूरा ऐसे करके देख सकते हो कि सर वन डिवाइडेड बाय आर पैरल इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय आर वन लिखोगे प्लस वन डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे बेटा आर टू लिखोगे प्लस वन डिवाइडेड बाय आप आर थ्री लिखोगे तो वन डिवाइडेड बाय आर पी यहाँ पर आपने लिखा बेटा तो ये वन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आर वन यानी कि वो हो जाएगा बच्चों थ्री प्लस यहाँ पर वन डिवाइडेड बाय आर टू यानी कि फोर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर थ्री यानी कि सिक्स एलसीयम आपको लेना पड़ेगा ट्वेल्व आपने एलसीएम लिया ट्वेल्व एलसीय लिया तो यहाँ आएगा फोर यहाँ आएगा थ्री प्लस यहाँ आएगा टू तो ये वैल्यू आ रही है बेटा आर पी की बारह बटे बारह बटे चार तीन सात और दो नौ तो ये आ जाएगा सर चार ती, तीन चौक बारह और तीन तरी नौ फोर बाई थ्री ओम बेटा फोर बाई थ्री ओम इज दी करेक्ट आंसर ठीक है चमक गया सभी लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ इकवी पोटेंशियल पॉइंट था और सर्किट को रीड्रॉ करने का तरीका मैंने बताया पॉइंट्स बनाकर सर्किट को रीड्रॉ करने का तरीका भी बताया क्या यह सबको समझ में आया क्या यह सबको समझ में आया बेटा ये मेथड इजी लगा वेरी गुड अगला सवाल आपके सामने है अगला सवाल आपके सामने है क्या बोल रहा है इन द सर्किट बिलो करंट I1 वन एंड आई टू आर आई और I2 के वैल्यूज क्या होंगे देखो ये दोनों क्या हैं? 12 और 4 हैं, ठीक है ये 2 ओम है और यहां पर बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है तो ये दोनों तो पैरेलल दिखाएंगे बेटा अरे जल्दी बताओ ये दोनों तो पैरेलल दिखाएंगे बारह और चार तो इस 12 और 4 का जब आप पैरल ग्रुपिंग सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी इनकी पैरल ग्रुपिंग जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा सर 12 और 4 12 इन टू फोर डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे सर 16 ये होगा चार चौक सोलह और ये हो जाएगा चार तरी बारह तीन प्लस दो प्लस एक यानी कि आर एक वैलेंट यहां पर कितना हो जाएगा बेटा तीन दो पांच और एक छिक्स ओम हो गया करंट कितना हो जाएगा जो बैटरी से निकलेगा वो हो जाएगा ट्वेल्व डिवाइडेड बाय सिक्स यानी कि टू एमपियर हो गया

आई वन वाला रेजिस्टेंस नीचे जाएगा और आई टू वाला रेजिस्टेंस ऊपर जाएगा ये वैल्यू आएगी बेटा जब ऐसा रेशियो आ जाए बेटा जब ऐसा रेशियो आ जाए वन इज थ्री तो हम यहां पर बोलेंगे ये हो जाएगा सर वन प्लस थ्री हम लिखेंगे टोटल फोर पार्ट बेटा वन प्लस थ्री हम टोटल कितने पार्ट लिखेंगे फोर पार्ट लिखेंगे कितने पार्ट लिखेंगे बेटा वन प्लस थ्री टोटल फोर पार्ट्स लिखेंगे किसके चार हिस्से करोगे I इज इक्वस टू टू एम्पियर के चार हिस्से बेटा I इज इक्वस टू टू एम्पियर के चार हिस्से इसके चार हिस्सों का मतलब है हर एक हिस्सा हर एक हिस्सा ये हो जाएगा बेटा दो बटे चार ये हो जाएगा बेटा दो बटे चार ये भी हो जाएगा बेटा दो बटे चार ये भी हो जाएगा बेटा दो बटे चार अरे टोटल टू एम्पियर का करंट था ना टोटल टू एमपियर का करंट था इस टू एमपियर का करंट को आपको क्या करना बेटा टू बाई फोर टू बाई फोर टू बाई फोर टू बाई फोर एक एक सिंगल पार्ट अगर बनाना हो तो ऐसे बना पाएंगे अपन बोलो यस और नो वेरी गुड अब ये सारी चीजें क्लियर हो जाने के बाद में आप ये बोलोगे टू बाई फोर का मतलब है वन पार्ट इज इक्वल टू वन बाई टू बेटा तो करंट आई वन का वैल्यू कितना आएगा और करंट आई टू का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा यहां पर तो तो आप आप बोलेंगे 3 by 2 तो बोलेंगे बेटा सर ऑप्शन बी ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट वैल्यू आएगा इसको बोलते बेटा चंदूलाल जी की जायदाद का बंटवारा ठीक है जैसे होता है ना कभी हमारे पास पांच सौ रुपए होते हैं और हमें मान लीजिए पांच दोस्तों में बांटने हैं तो हम क्या करेंगे यार 500 को डिवाइड बाई 5 करेंगे 100 सौ रुपए का एक हिस्सा आएगा अब किसको कितने हिस्से देने हैं ये हम डिसाइड कर सकते हैं ठीक है यस और नो एवरीवन बहुत बढ़िया ठीक है इन द गिवन सर्किट फाइंड द वोल्टेज ऑफ 12 ओम रेजिस्टेंस बेटा फाइंड द वोल्टेज ऑफ 12 ओम रेजिस्टेंस ठीक है वोल्टेज ऑफ 12 ओम रेजिस्टेंस आपको निकालना है करंट इसमें 12 एंपियर का जा रहा है करंट कितने का जा रहा है बेटा 12 एंपियर का जा रहा है जिपमर 2019 का सवाल है ध्यान से देखो जरा अब ये तीनों जब आप देखोगे ये तीनों जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये तीनों यहां पर पैरेलल ग्रुपिंग में है बेटा 8 8 और 4 है कि नहीं पैरेलल ग्रुपिंग में बेटा 8 8 और 4 तीनों पैरेलल ग्रुपिंग में हैं यस हाँ जी क्या हो गया बेटा आठ आठ और चार तो कैसे सॉल्व करेंगे सर इसका पैरेलल ग्रुपिंग इसका पैरेलल ग्रुपिंग सॉल्व करेंगे सर वन डिवाइडेड बाय आर थ्री जब आप इसको सोल्व करेंगे आप लिखेंगे सर वन डिवाइडेड बाय ये भी एट है प्लस वन डिवाइडेड बाय ये भी एट है प्लस वन डिवाइडेड बाय ये फोर है सॉल्व किया सर एल सी एम लेंगे एल सी एम हम एट ले सकते हैं तो यह आएगा सर वन प्लस वन प्लस टू यानी कि चार आ रहा है तो यहां से सॉल्व करने पर आर पी का वैल्यू आ जाएगा सर एट डिवाइडेड बाय फोर यानी कि टू ओम तो ऊपर कितना बनेगा सर ऊपर ये टोटल वैल्यू बन जाएगी चार और दो छः ऊपर ये टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर ये चार प्लस दो मिलकर ये कितना बन जाएगा सर ऊपर बनेगा आपका सिक्स ओम नीचे आपका बारह है अरे बोलो यस और नो ठीक है अब देखो ऊपर वाला सिक्स ओम और नीचे वाला ट्वेल्व ओम पैरेलल ग्रुपिंग में कनेक्टेड है ऊपर वाला सिक्स ओम नीचे वाला ट्वेल्व ओम पैरल ग्रुपिंग में कनेक्टेड है या नहीं बेटा ऊपर वाला सिक्स ओम नीचे वाला ट्वेल्व ओम ग्रुपिंग में कनेक्टेड है राइट right, बच्चों है कि नहीं पैरल ग्रुपिंग में ये वाला सिक्स ओम ये वाला ट्वेल्व ओम आर कनेक्टेड इन पैरल ग्रुपिंग यस बहुत बढ़िया तो बच्चों आप करेंगे क्या आप यह करेंगे कि सर करंट जो है वो टोटल 12 एम्पियर जा रहा है लेकिन उसको डिवाइड होना पड़ेगा टू रजिस्टेंसिस में ठीक है यहां पर जाने वाले करंट को आप बोलोगे सर I1 और यहां पर जाने वाले करंट को आप बोलोगे बेटा I2 तो माय डियर फ्रेंड्स आपको ऐसा लिखना होगा I1 डिवाइडेड बाय जब आप लिखेंगे I2 आप लिखेंगे ऊपर यहां पर लिखेंगे सर बारह यहां पर लिखेंगे बेटा आप सिक्स तो यह आंसर आएगा सर टू इस टू वन टू इस टू वन का मतलब है कितना हो जाएगा बेटा टू प्लस वन दैट वुड बी थ्री पार्ट्स कितने पार्ट्स बच्चों थ्री पार्ट्स तीन पार्ट किसके? तीन पार्ट किसके बच्चों? जल्दी बताओ तीन पार्ट किसके तो आप बोलोगे सर टोटल करंट जो आ रहा था 12 एम्पेयर उसके तीन हिस्से और तीन हिस्से मतलब 12 डिवाइडेड बाय थ्री यानी कि 12 डिवाइडेड बाय थ्री यानी कि 12 डिवाइडेड बाय थ्री मतलब कि चार चार और चार 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 ओम का एक सिंगल करंट होगा बेटा तो अब आप बोलोगे कि सर आई वन के पास दो जाएगा और आई टू के पास वन जाएगा बेटा यानी कि यहां पर आने वाला करंट परंटर होगा तो इज इज टू टू क्या होता, बच्चो? तो होता है बच्चों आई का वैल्यू चार है आर का वैल्यू बारह है बारह चौक अड़तालीस फोर्टी एट वोल्ट विल बी दी करेक्ट आंसर फोर्टी एट वोल्ट यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बोले और नो ऑप्शन डी आएगा बेटा क्या आएगा ऑप्शन डी आएगा कोई बात नहीं बेटा अभी थोड़ा सा जितना ये करंट पोर्शन चल रहा है इतना कंप्लीट कर लेते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कोई बात नहीं है ना आई विल सॉल्व द लैग वाला इश्यू अभी अगर मैं चलती क्लास में रिजोल्व करूंगा ना क्लास रुक जाएगी ठीक है डन चलो तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जो आपके रेजिस्टेंस ये जो आपका केवीएल केसीएल सेल और इंस्ट्रूमेंट बेटा ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे ये अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे आज हम यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है आज हम यहीं तक कंप्लीट कर लेते हैं एक और पार्ट इसका बना लेंगे ठीक है तीन पार्ट में क्यों बांटा क्योंकि बेटा जो रजिस्ट जो करंट का रेशियो था जो करंट का रेशियो था वो था यहाँ पर टू इज टू वन जो करंट का रेशो था बेटा वो क्या था टू इज टू वन तो जैसे आपने टू प्लस वन किया बिकम्स कितना बेटा यहां पर दैट बिकम्स थ्री पार्ट्स ठीक है हाँ जो आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने की वजह से अगर हम ये कर लेंगे ठीक है कि यार आ, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर अगर हम ज्यादा बढ़िया तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस लैग तो फिर दिक्कत आएगी अपने को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको अच्छे से पढ़ना समझना जरूरी है ठीक है यस एवरी ठीक है बच्चों, जल्दी बताओ हाँ जी ठीक है तो एक तो आप लोग नीट यू का जो एग्जाम हमारा अभी आने वाला है सेवन्थ ऑफ मई को उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज को मैं सॉल्व करा दूंगा बेटा अभी आप लोगों को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ठीक है तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ के पहले आपको यहाँ पर ये यह ध्यान रखना है कि सर हम फाइनल एग्जाम में तो जाकर बैठेंगे इसे ही लिखेंगे एग्जाम लेकिन उसके पहले अगर हम एग्जाम को एक्सपीरियंस कर पाए तो कैसे प्रेशर को मैनेज करना है ओ शीट कैसे भरनी है किन किन टॉपिक्स पर हमें ध्यान देना है वो सब आपको पता चल सकता है और यहां पर आपको क्या करना है बेटा एम एस लाइव कोड लगाकर ये आप पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हो ठीक है एम एस लाइव कोड लगाना है आपको वाइल्ड टेकिंग द एनरोलमेंट बेटा ठीक है स्कैन करके भी आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है पहली बात ये बताइए कैसी है ये आपकी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है चलो ठीक है बच्चो यहां तक क्लियर है ओके देर आर मल्टीपल बैचेस जैसे आप अभी देख रहे हो कि विश्वास बैच है ठीक है जो 11 मई से शुरू हो रहा है 2024 के लिए और एक आपका आरंभ बेच है जो यहां पर शुरू हो रहा है 14 अप्रैल से बेटा ठीक है प्राइसिंग दोनों की आप देख सकते हो विश्वास बेच में अगर आप एक स्पेसिफिक बेच में जाते हो फोर्टीन है बेटा और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले गए थर्टी सेवन

जल्दी बताओ तुम लोग मुझे बोर्ड पर शिफ्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि चलेगा ना कल कर लेंगे कल हम करेंगे हिटिंग इफेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है कल हम करेंगे बेटा हिटिंग इफेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट्स तो कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है हिटिंग इफेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट्स हम कल कर लेंगे और पेपर डिस्कशन हम कल की जगह परसों करेंगे ठीक है पेपर डिस्कशन फिर हम कल की जगह परसों करेंगे ठीक है ओके okay, चलो बाय गाइस टेक केयर लव यू ऑल ध्यान रखना अपना पढ़ाई करते रहना और uh, मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए लव यू ऑल और विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट ठीक है बाय बाय गुड नाइट अरे गुड नाइट बोल दिया मैंने बाय बाय टेक केयर ठीक है Bye, bye. bye.